सर मैंने आपके कहने पर माइकल को किडनैप तो कर लिया था पर अभी फिलहाल वो यहाँ से भाग चुका है क्या तुमने जाने क्यों दिया उसको सर हमने उसको होटल के ऊपर वाले रूम में बंद कर दिया था पर पता नहीं वो यहाँ से कैसे भाग गया तुमसे एक भी काम नहीं होता अच्छे से सर हमारे बंदे उसको ढूंढ रहे हैं जैसे ही वो मिलता है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूं। तुम जानते हो ना अगर वो एक बार भी रोलेक्स के हाथ लग गया ना तो वो उसको इतना टॉर्चर करेगा जिससे माइकल हमारा भी नाम उसको बता सकता है सर अब हमें क्या करना चाहिए अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है या तो हमें कुछ टाइम के लिए लॉस लोसो से जाना होगा या फिर माइकल को उनके हाथ लगने से पहले तुम्हें ही उसको मारना होगा पर माइकल हमारे काफी काम आ सकता है मैं जानता हूं पर अभी हमने उसको नहीं मारा ना। तो वो हमारे लिए काफी खतरनाक मुसीबत बन सकता है पर वो मुझे अब मिलेगा कहां पर तुम्हें उसको ढूंढ रहने की जरूरत नहीं है वो खुद तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास आएगा वो कैसे सर उसकी एक कमजोरी है और वो है उसकी फैमिली और मैं जानता हूं उसकी फैमिली इस वक्त कहां पर है मैं समझ गया सर मुझे अभी क्या करना है So, hello guys and welcome back with our another GTA 5 gameplay video. तो भाई कैसे हो आप सभी लोग तो लास्ट वीडियो में भाई आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि फिलहाल अपने साथ कितना खतरनाक सीन चल रहा है मतलब हमने ना लास्ट वीडियो में भाई सीक्रेटली डगन बॉस के होटल में एंटर तो कर लिया था भाई मैं ना वहाँ पर ये सोच के गया था कि मुझे रॉलेक्स गैंग के बारे में कुछ पता चलेगा बट भाई वहाँ पे ऐसा कुछ होता ही नहीं है यार हमने वहाँ पे जैसे ही एंटर किया ना भाई मुझे देखने के लिए मिलता है वहां पे एक डॉक्टर और भाई वो हमको वहाँ का सारा रास बता देता है भाई वहाँ पे ना एंथनी ना जगह जगह से बंदों को किडनैप करके लाता है और भाई वहाँ पे उनके ऑर्गन्स निकालता है और बाहर की कंट्री में जाके सेल करता है भाई ये देखने के बाद ना मैं बहुत ही ज्यादा शौक हो गया था और सबसे मेन बात भाई ये बात ना डगन बॉस को बिल्कुल भी नहीं पता है कि एंथनी ऐसे ऐसे काम कर रहा है और भाई ये बात ना बहुत ज्यादा शॉकिंग है देखो भाई इसके पीछे ना कुछ बड़ा राज हो सकता है क्योंकि उसने डगन बॉस को इन्फॉर्म ना किया भाई वो तो उसका भाई है यार मतलब इसका मतलब कि वो ना कुछ ज्यादा ही बड़ा प्लान कर रहा है जिसकी वजह से वो भाई डगन को भी बता रहा है बाकी ये सब छोड़ो अभी ना सबसे मेन चीज अभी का बताता हूँ भाई क्या सेंज चल रहा है देखो फिलहाल भाई अपने को जगह जगह ढूंढ रहे हैं जिसके बारे में आप सबको पता ही है भाई साथ ही साथ रॉबिन जो कि एंथनी का पर्सनल बॉडीगार्ड है भाई वो भी हमको हर जगह ढूंढने में लगा हुआ है पूरे लॉस एंटोस में क्योंकि भाई उसने ना जो एक नया होटल है उसने हमें वहां पर बंद कर दिया था वो तो ठीक था कि भाई वहाँ पे एक विंडो थी जिसको हम तोड़ के वहाँ से स्केप कर लिए थे और फिलहाल मैं आ चुका हूँ भाई अभी बैनी के पास कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी लेने के लिए बाकी आई नो यार ये वाला एपिसोड काफी ज्यादा लेट हो गया क्योंकि ना मेरी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं थी बीच में बट अभी एकदम सब कुछ ठीक है और साथ ही साथ यार मैं चाहता था की ये वाला एपिसोड ना मेरे बर्थडे दे वाले दिन आए और ठीक वैसे ही फिफ्थ ऑफ फेब मेरे बर्थडे वाले दिन ये वाला एपिसोड आ चुका है देखो लास्ट एपिसोड में ना भाई मैंने आप सबसे कहा था कि मैं इनका स्टोरी लगाऊंगा और व्हाट्सएप पे इन सब का पोल डालूंगा जिस पे सबसे ज़्यादा वोट आते हैं मैं वही गाड़ी यहाँ से लेके जाने वाला हूँ तो सबसे ज़्यादा वोट्स ना भाई ये जो सामने वाली गाड़ी खड़ी है ना व्हाट्सएप पे सबसे ज़्यादा वोट इस गाड़ी पे आए थे जो कि अपनी बी की गाड़ी है जिसको भाई बैन या बिना फुल एकदम अपग्रेड करने में लगा हुआ है ये भाई कल से लगा हुआ है मैंने इसको जैसे ही बताया ना कि भाई आप लोगों ने ये वाली गाड़ी सेलेक्ट की है तो भाई ये कह रहे हैं कि इसको और ज़्यादा तगड़ी बनाने वाला है मतलब इसके बुलेट प्रूफ चीज़ें तो देखो इसमें है ही और साथ ही साथ इसने नॉज वगैरह सब कुछ इसमें इंस्टॉल कर दिया है तो फाइनली गाड़ी तो देखो ये वाली हो चुकी है बाकी यार मैं ना ये भी सोच रहा हूँ कि यहाँ से जी टी आर भी ले लें ले भाई ये ना कोई ज़्यादा ही औसम लगी है अभी ना फटाफट से एक काम करते हैं बैनी से पूछता हूँ भाई कितना और काम रह गया इसमें ये ना भाई कल रात से लगा हुआ है जब से मैंने इसको बताया ना कि भाई ये वाली गाड़ी फाइनल हुई और एक सेकंड ओके भाई बैनी मुझे आप ये बता रहे हैं कि इसमें काम हो चुका है लगभग सारा काम हो चुका है और एक सेकेंड भाई ये कौन सा कलर करवाया यार इसने भाई कोई ज्यादा ही शाइन नहीं मार रहे क्या ये ओके यहाँ पर मुझे बैनी बता रहे की क्रोम कलर है जब तुम बाहर जाओगे ना तो ये कुछ और ज्यादा शाइन मारेगा भाई बहुत बढ़िया यार देखो इसने ना इस गाड़ी को फुल एकदम एस में कन्वर्ट कर दिया भाई ये ऑफ में भी मस्त चल सकती है अभी चलो भाई ठीक है अपने पास पिछली जो गाड़ी थी ना भाई वो भी बी की थी और ये वाली भी भाई बी एमडब्ल्यू की है बाकी यार जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कराई जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार देखो इस बार मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ भाई इस मंथ से ना मैं रेगुलर होना स्टार्ट कर रहा हूँ तो जैसे इस वीडियो पे 8000 लाइक होता है ना उससे अगले दिन ही पक्का बता रहा हूँ इस बार उससे अगले दिन ही अपना एपिसोड शेड्यूल हो जाएगा मतलब आ ही जाएगा तो फटाफट से लाइक कर दो यार बस एक ही सेकंड लगता है बाकी इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो यार वहां पे ना मैं सारी अपडेट देता रहता हूँ वीडियो की और साथ ही साथ जो मैं माइकल के मैंशन में आपकी फोटोज लगाता रहता हूँ ना भाई वो मैं इंस्टाग्राम से ही लेता हूँ तो फटाफट से इंस्टाग्राम पे आ जाओ लिंक आपको पेन कमेंट में मिल जाएगा बाकी ये वाली गाड़ी गाइस वो गाड़ी है जिसको सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा वोट मिले थे और भाई सच बताऊँ तो ये वाली गाड़ी ना मेरी खोज यार पर्सनल फेवरेट गाड़ी है भाई एक बार तुम तो इसका साइज देखो यार मतलब कोई ज़्यादा ही बड़ी नहीं लगती क्या भाई ये देखने में और ये गाड़ी ना भाई मैंने फाइनल कर रखी है जब भी अपनी सिक्योरिटी आती है ना भाई ये गाड़ियाँ हम बैनी के पास से तुरंत ले जाएंगे देखो मेरा प्लान तो अभी ले जाने का था बट जैसे मैंने बैनी से बात करी ना भाई वो मुझे बता रहा है कि इसमें अभी तक काम काफ़ी ज़्यादा बचता है एक सेकेंड भाई बैनी मुझे पे बता रहा है कि ये तो कुछ भी नहीं है इसके पास और भी गाड़ियाँ और साथ साथ जेट्स भी रखे हैं काफ़ी सारे हेलो भाई जेट्स कहा से आ गए यार तेरे पास ओके okay, भाई भाई ये आप मुझे बता रहा है ये कह रहा है कि ये पहले मिलिट्री वालों के लिए काम करता था भाई साहब तू तो भाई बड़ा छुपा रस्ता निकला यार और जेट्स कहाँ पे है यार भाई कितनी बड़ी टनल है ये मुझे बता रहा था कि यहाँ पे और भी बहुत आगे तक जाती है टनल और गाड़िया ही गाड़िया भाई इस पूरी टनल में बाकी जो तो जेट के बारे में बातें कर रहे हैं भाई वो जेट्स है कहाँ पे यार यहाँ तो ओके ये मुझे बता रहा है कि एक अलग जगह है जहाँ पे इसने सारे के सारे जेट्स रख रखे हैं भाई ऐसे कितने जेट्स हैं यार बहुत बढ़िया वैसे अभी किसी काम का नहीं आपने अगर आगे कभी काम आता है तो मैं तुझे बता दूंगा ठीक है भाई सच में यार इसके पास कोई ज़्यादा ही गाड़िया है बाकी हाँ यार गई अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी बदली बदली लग रही हो ना यार थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना मेरी तबीयत अभी थोड़ी सी खराब चल रही है जैसे ही ठीक होगी वापस नॉर्मल वाली आवाज़ आपको मिल जाएगी ठीक है चलो अभी एक काम करते हैं भाई फटाफट चला इस वाली गाड़ी को लेके ऐसे यहाँ से निकलता है एक सेकेंड ये रॉबिन क्यों कॉल कर रहा है भाई मुझे कहीं इसको पता तो नहीं चल गया ना वैसे अब तक तो भाई इसको हंड्रेड परसेंट पता लग गया होगा कि हम वहाँ से भाग चुके हैं भाई क्या मुझे अभी कॉल उठानी चाहिए क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसने ट्रेस वगैरह कर रखा हो और दिक्कत हो जाए भाई वो यहीं पे आ जाए अपने बंदे लेके चलो गाइस अभी एक काम करते हैं हैं इसका कॉल उठा ही लेते हैं और जानते हैं भाई ये क्या तो बोलना चाह रहा है हमको हेलो तो तुम भाग ही गए वहां से क्यों फोन किया है मुझे इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है माइकल मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ही रोका था तुम्हें वहाँ पर मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ मुझे तुम्हारी सेफ्टी की जरूरत नहीं है माना मैंने तुम्हें हमारी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है पर तुम्हारी फैमिली को तो तुम्हारी बहुत जरूरत है अभी क्या क्या मतलब है तुम्हारा ये वही बिल्डिंग है ना जिसमे तुम्हारी फैमिली रहती है तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी फैमिली वहाँ पर है तुम्हारे पास अभी इन सब का वक्त नहीं है अपनी फैमिली को जिंदा देखना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ पर आ जाओ वरना वरना क्या हेलो हेलो भाई अब ये क्या नया सीन हो गया यार इस एंथनी को कैसे पता चला कि अपनी फैमिली वहाँ पर है भाई नहीं यार मुझे अभी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अगर भाई मैं वहाँ पे नहीं गया ना तो भाई वो अपनी फैमिली को वहाँ पे किडनैप भी कर सकता और कुछ भी कर सकता है भाई वो बंदा भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या तो करना चाहिए अभी देखो क्लियरली तो मुझे इतना नजर नहीं आया बट भाई देख के मुझे साफ साफ लग रहा था कि उसके साथ वहां पर और भी काफी सारे बंदे थे तो मुझे ना भाई अभी कुछ ना कुछ करके यहाँ से एक सेकेंड बेनी तू अभी मुझे बता रहा था ना कि तेरे पास जेट्स वगैरह है ओके ठीक है ठीक है बेनी कह रहा है हाँ मेरे पास जेट्स हैं पर तुम कहना क्या चाहते हो सुन मैनी अभी ना वक्त आ चुका है उनको यूज करने का देख मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे पता है तुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है देख मेरा प्लान है वहां से हम एक जेट लेके जाने वाले है और जो रॉबिन की गैंग है ना वो इस टाइम हमारे होटल के बाहर खड़ी हुई है अगर हम वहाँ पे जाते हैं ना उन पे फायर करते हैं तो भाई आराम से हम उनको डाउन कर सकते हैं यार देख अपने पास अभी कोई सिक्योरिटी वगैरह तो भाई बिल्कुल भी नहीं है और जिस वजह से नहीं ली ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी यार अभी ना हम चारों तरफ से घेर चुके हैं भाई गैंग गैंग भी भी है है और ये अपने पीछे पड़ी हुई तो सिक्योरिटी तो आज हम लेंगे ही तो फाइनल हो चुका है बट अभी भाई फैमिली को बचाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए भाई मुझे तेरी हेल्प चाहिए और भाई बहनी कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं यार मैं तुम्हारी हेल्प हंड्रेड परसेंट करूँगा तो एक काम करता है गाइस अभी ना मैं सोच रहा हूँ भाई यहाँ से फटाफट फड़ से निकलता है इतना अगर आप लोगों ने भाई वीडियो को लाइक नहीं कराए तो किस बात का वेट कर लाइक कर दो इस वीडियो का लाइक है मैं आठ लाइक का जो कि मुझे पता है आप लोग पूरा करा दोगे तो भाई फटाफट फड़ से लाइक कर दो अभी ना कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं भाई ज्यादा बैनी फटाफट से पता भाई कौन सी गाड़ी एकदम तो रेडी है हम उसी में निकलने वाले हैं भाई यहाँ से जहां भी तेरे जेट्स वगैरह है ना ओके बैनी कह रहा है यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी वो सब रेडी है तुम कोई सी भी लेके जा सकते हो ठीक है वेट भाई मेरा मन भी था एक काम करता है बैनी सोनिया जी टीआर रेडी है ना इसको लेके फटाफट से यहाँ से निकलता है ठीक है अभी बैनी कह रहा है हाँ ये रेडी है मैं इसको ऊपर लेके आता हूँ इतना तो मुझे ऊपर मिलो भाई आज ना सच बता रहा हूँ एक बार वो जेट बस चलाने आ जाए हमको उसके बाद मैं सोच रहा हूँ भाई आज रॉबिन का ना खेल ही खत्म कर देता है भाई ये बंदा ना मुझे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहा है भाई देख रहे हो भाई कैसे अभी अपने को धमकी दे रहा है ना उसको पता है भाई इसके पास तो कोई सिक्योरिटी है नहीं और ये कुछ कर नहीं सकता इसलिए भाई वो इतना उछल रहा है अभी कोई दिक्कत नहीं है भाई अभी बेनी की हेल्प लेता है और फटाफट से निकलते हैं हैं भाई 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 वहीं के 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 लिए ऑल राइट right, तो भाई अभी हम आ चुके बेनी सीक्रेट गैराज टॉप फ्लोर पे भाई। देखो लास्ट में आप लोगों ने देखा था ना भाई वो सीधा इसका बेसमेंट लेवल था बट ये वाला ना भाई टॉप फ्लोर है जहाँ से हम बाहर जा सकते हैं भाई तब तो हम ज्यादा जल्दी में थे तो हम डायरेक्ट लिफ्ट से भाई नीचे आ गए थे और यहाँ पर देखो भाई कितनी सारी गाड़िया खड़ी हुई है भाई ये जितने भी इसके स्पेशल कस्टमर्स है ना भाई ये उनके लिए है सही बताऊँ तो ये उन लोगों की है भाई जो ना इलीगल काम करता है तो यहाँ पे मॉडिफाई करता है। एक सेकेंड भाई बैन ही ना पे नीटीआर को लेके आ चुका है एक बार इसके लुक्स देखो भाई सही बताऊ तो भाई मुझे ना ये गाड़ी सच में बहुत ज्यादा पसंद है भाई आ इंस्टाग्राम पे इसको भी भाई बहुत ज्यादा वोट्स मिले थे और ये ना भाई इसने फुल मॉडिफाई कर रखी है भाई ये कोई नॉर्मल जी नहीं है इसने फुल मॉडिफाई कर रखे है स्पॉयलर वगैरह भी लगा रखे हैं चलो भाई भी फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं और भाई निकलते हैं यार ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को अपनी फैमिली मुसीबत में है यार और भाई दिखा देंगे आज रॉबिन को क्या चीज़ है यार माइकल बस इसका जो जेट है ना वो अच्छे से काम करता क्य। है क्योंकि जैसे मुझे बता रहे ना भाई वो जेट बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं और उसने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया है तो मुश्किल है भाई उनका उड़ना भी बट देखते हैं भाई जैसा भी सीन होता है एक सेकेंड भाई तब तो कुछ ज्यादा अंधेरा उठता और अब देखो भाई यहाँ पर ये ऐसा देखता है इस तो ना पूरा छुपा रखा है भाई यहाँ पे कोई देख भी नहीं सकता और एक सेकेंड ये सबर ही न क्या भाई भाई क्या है ये बंदा कितनी सारी चीज है और यहाँ पर इसने जैमर टावर भी लगा रखा है जैसे जो इसके सिस्टम्स वगैरह है वो हैक ना कर पाए लोग भाई मानना पड़ेगा ये बंदा ना कुछ ज्यादा एडवांस है यार और एक बार यहाँ का गेट देखो भाई अपने यहाँ पे क्या नॉर्मल गेट होता है ना और इसका ये गेट है भाई यहाँ से निकलने का

भाई जितना भी बदला लेना है ना आज सारा भाई गुस्सा उतार दूंगा एंथनी सबका गुस्सा रॉबिन उतरने वाला है फटाफट पड़ से इसको भगा के लेके चलते हैं इतना अब ध्यान दिया यार इसकी आवाज सुन रहे हो गा एक बार आप भाई साहब कुछ नेक्स्ट लेवल ही गाड़ी है और एक बार ना इसके जाते आते टॉप स्पीड भी चेक कर लेंगे भाई कैसी तो ये भाग रहा है बाकी यार जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है जल्दी से लाइक कर दो और जिसने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है कमेंट में जी टी आर लिख देना जिससे मुझे पता लग जाएगा भाई मेरे कौन कौन व्यूअर वीडियो को यहाँ तक देख चुका है फटाफट से निकालता है और ट्रैफिक क्यों है भाई इतना यहाँ पे और बैन ही मुझे बता रहा है भाई वो लोकेशन ना यहाँ से थोड़ी सी दूर है तो हमें टाइम भी लग सकता है तो मुझे ना भाई थोड़ी अच्छे से ड्राइविंग करनी होगी फटाफट से निकालता है यहाँ से ओके

बाकी फ्रैंकलिन तो है यार उसको मैं एक बार कॉल पे बता देता हूँ भाई जितना मैं ना हूँ बस तुझे इतना कंट्रोल करना है अगर कर उसने इतनी देर संभाल लिया ना भाई इनको अंदर एंटर नहीं करने दिया उसके बाद मेरे पास जेट आ जाएगा भाई फिर हम उनकी अच्छे से बैंड बजाने वाले हैं भाई उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इनके साथ आज क्या होने वाला है तो चलो भाई जा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं फटाफट से अपनी गाड़ी को भगाते हैं निकलते हैं सीधा जेट वाली लोकेशन पर ऑल राइट भाई अभी ना मैं गाड़ी भगाते भगाते भाई शहर से काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं यार सिटी से और पता नहीं भाई इसकी लोकेशन कहाँ पे तो है जेट की भाई सही बताऊँ तो अपना प्लान था यार इस गाड़ी की टॉप स्पीड चेक करने का बाद अब अपने पास ना इतना टाइम नहीं है कि अभी टॉप स्पीड चेक करा और एक सेकेंड भाई बहनी मुझे कह रहा है कि आगे से लेफ्ट लेना है तो मैं हम पहुँच चुके हैं भाई यही है क्या यहाँ पे भाई कितनी ज़्यादा इसने जगह खरीद रखी है और आई थिंक हमें ना यहाँ से अंदर जाना है भाई जहाँ देखो इसी की जगह मिलती है रुको रुको फटाफट से अंदर चलते हैं भाई ये गेट नहीं खुलेगा क्या बहनी मैं नहीं कह रहा है थोड़ा सा टाइम लेता है अपना आप खुल जाएगा भाई साहब आई थिंक इसने ना फोन वगैरह से ओपन किया है भाई मानना पड़ेगा वे भाई ये कहाँ पे आ चुके हैं हम जंगल में पक्का यही है ना भाई तेरी लोकेशन कहाँ लेके आ गया तो मुझे पक्का यही जगह है ना भाई जहाँ पे मैं आना था और इसने शटर भी भाई पीछे से बंद कर दिया है रुको फटाफट फड़ से अंदर चलते हैं भाई पक्का मुझे पता है ऐसी फील आ रही है मैं किसी जंगल में आ चुका हूँ भाई अभी रुको रुको भाई तो यहाँ पे ना इतनी बड़ी बड़ी घास हो रखी है अपनी गाड़ी बहुत धीरे धीरे चलानी होगी एक सेकंड फटाफट फड़ से लेके चलते हैं और वेट भाई बेनी आगे तो रास्ता बंद है यार अब जाना है इधर भी नहीं एक सेकंड बेनी मुझे कह रहा है है कि यही तो मेन गेट है। हेलो भाई तो ठीक भी है ना ये दिख भी रहा है वैसे इसकी गाड़ी के काले शीशे हो रखे हैं एक सेकेंड रुको भाई देख बहनी स्क्रैच आए तो मुझे मत कहियो भाई मैं तो यहाँ से सीधा लेके जाने वाला हूँ भाई पता नहीं यार ये ना कैसी कैसी जगह पे तो रहता है एक सेकेंड भाई ये क्या चीज है हेलो यहाँ पर काफी सारे जेट्स खड़े हुए हैं और भाई साहब उधर भी सामने ट्रैक है क्या भाई रुक रुक रुको रुको बहनी अब मुझे कह रहा है कि अपनी गाड़ी को इस तरफ लगा दो रुक रुको रुको फटाफट से भाई अपनी गाड़ी यहाँ पर लगाते हैं और भाई मुझे ना अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई इसके पास ये जेट्स आए कहाँ से है यार ये देख रहे हो भाई क्या खतरनाक खतरनाक जेट है और ये लोकेशन है इसने भाई पल छुपा रखे है भाई किसी को पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ पर एक बेस है जहाँ पे जेटी जेट रखे हुए भाई भाई बहनी तो मुझे एक बात बता ये जेट्स तेरे पास आए कहाँ से है यार मतलब इतने सारे जेट ओके भाई बैनी, अच्छा ये सही है भाई बैनी मुझे बता रहा है जितने भी जेट आप लोग देख रहे हो ना जैसे कि आपको पता है भाई ये पहले मिलिट्री के लिए काम करता था तो ये जितने भी जेट फाइट वगैरह में क्रैश हुए ना वो सब इसके पास रिपेयर होने के लिए आते थे और अभी काफी टाइम से जो इसका कॉन्ट्रैक्ट था ना भाई मिलिट्री वालों के साथ वो खत्म हो चुका है और ये काफी टाइम से मिलिट्री वालों के साथ काम नहीं कर रहा है तो जब से लेके आज तक ये जितने भी जेट्स है ना ये सब के सब इसके पास ही है भाई ये सारे चलते हैं क्या यहाँ पे जितने भी जेट्स हैं तेरे पास पीछे भी दो खड़े हुए भाई कैसे अजीब अजीब से जेट्स है यार मिलिट्री वाले ऐसे कब से यूज करने लगे भाई कुछ नेक्स्ट लेवल ही बता रखा है भाई इस बंदे ने ना चलो अभी फटाफट से निकलते हैं और एक सेकेंड ये मुझे कह रहे हैं जितने भी तुम देख रहे हो ना यहाँ से कुछ कुछ वर्किंग कंडीशन में और कुछ पे भी काफी काम बचता है रुको रुको ये यहाँ पे बता रहा है ये जितने भी जेट खड़े हैं ना सामने तीनों के तीनों एकदम वर्किंग कंडीशन में एकदम फाइन है चलो भाई फटाफट से और भी देख लेते हैं भाई सुन बहनी मुझे ना देख कोई ऐसा जेट चाहिए जो एकदम ईजी टू कंट्रोल हो देखते रुको को भी पता है भाई मैंने आज से पहले कोई जेट नहीं उड़ाया और भाई मैं नहीं चाहता मैं इसको उड़ा के लेके जाऊ और पहले ही क्रैश हो जाऊं तो मुझे कोई ऐसा जेट बताइयो जो कि एकदम इजी टू फ्लाई हो ठीक है ओके बैन ये भी मुझे बता रहा है कि जो वो वाला जेट है ना वो एकदम वर्किंग कंडीशन में है तो हम उसको ले जा सकते हैं और वो इजी टू कंट्रोल भी है एक सेकेंड भाई इसकी हालत देख के तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा भाई बैन सुन मेरी बात देख बुरा मत मानियो बट यार इसकी ना हालत देख के मुझे ठीक नहीं लग रहा है भाई ये चलने लायक है भी या नहीं और ये अभी से इतना हिल रहा है भाई नहीं 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 देख मैं इसमें नहीं जाने वाला भाई देख रहे हो पता नहीं क्या क्या तो इसने लगा रखा है इनमें और ये वाला ना देखो यार मैं लेके तो चला जाता बट यार इसकी एक बार हालत देखो यार ये अभी से इतना पुराना सा लग रहा है भाई मैं नहीं चाहता भाई मैं जाती क्रैश व्रैश हो जाऊँ बैनी एक काम कर भाई ये वाले का बताया इसका क्या सीन है ये लेके जा सकता हूँ क्या मैं अगर ये वर्किंग में नहीं यार बैनी मुझे मना कर रहा है कि ये वाले में भी काफी ज्यादा काम बचता है इसको तो हम ले नहीं जा सकते हैं एक सेकेंड भाई वहाँ पर भी काफी सारे जेट्स खड़े हुए हैं और भाई ट्रैक देखो यार कितना बड़ा ट्रैक है ना जयमर तो यहाँ पे भी लगा रखा है आई थिंक ये वाले कैसे प्लेन है भाई इसने कर वगैरह कर रखे हैं भाई ये वाले प्लेन कैसे खड़े हुए हैं यहाँ पे ओके okay, अभी ये मुझे बता रहे कि ये वही प्लेन है जो कि मिलिट्री की तरफ से क्रैश जो जाते हैं ना वो इसके पास आते हैं वो ऐसे दिखते हैं भाई इनको मॉडिफाई करके इसने ऐसा बनाया यार और ये वाले प्लेन अभी मॉडिफाई इसने नहीं करे मतलब कि रिपेयर वगैरह नहीं करे इसको टाइम नहीं लग रहा है यार मारना पड़ेगा भाई इसकी मॉडिफिकेशन ना कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल है अभी देख रहे हो तुम कैसे नॉर्मल से लग रहे हैं ना इनकी जो मिसाइल्स वगैरह है ना भाई वो भी मिलिट्री वालों ने निकाल लिया इसको बस ऐसी ढांचा सा बना के दे देता है मतलब कि जो खराब हो जाता है और ये उनको इतना बढ़िया बना के उनको दे देता है चलो भाई इतना एक काम करता है भाई देख बहनी अब ना मेरे को कोई ऐसा प्लेन बता जो एकदम मैं ईजिल चला लू और जो अच्छी कंडीशन में हो रहा है कि वो वाला मैं ले लेता बट भाई नहीं नहीं उसको मुझे ना भाई बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है भाई वो कभी भी क्रैश व्रैश हो सकता है उसकी हालत देख यार कितनी गंदी हो चुकी है इनमें से बता यार बैनी इनमें से कोई तीनों में से कोई बढ़िया प्लेन हो ना जिसको मैं आराम से उड़ा और भाई मुझे कोई दिक्कत भी ना हो यहाँ पे वैसे काफी सारे जेट्स तो हैं और एक सेकंड बहनी मुझे कह रहा है कि ये वाला जेट तुम्हारे एकदम परफेक्ट रहेगा इसमें तुम्हें काफी सारे मोड्स मिल जाएंगे भाई प्लेन में भी मोड्स आता है क्या देख मुझे पता नहीं है भाई मैंने आज से पहले तो कभी चलाया नहीं है ओके ये कह रहा है कि मैं तुम्हें इसके कंट्रोल सिखा दूंगा बहुत आसान है चल तो बहनी फिर एक काम करते हैं भाई मैं इसी को ले लेता हूँ यहाँ पर एक बार तुम मिसाइल देख रहे हो भाई भाई इसमें इतनी बड़ी बड़ी मिसाइल्स लगी हुई हैं अपने को मिसाइल की देखो जरूरत है यहाँ पे भाई इन वाले में मिसाइल्स है बट यार ये ना कुछ ज्यादा ही हार्ड जाएंगे अपने को इतने प्रो नहीं है भाई अभी हम जेट चला रहे हैं ना और यहाँ पे थे इसका ये फ्यूल टैंक है और कितनी बड़ी बड़ी मिसाइल्स लगी हुई यार इनमें ये जेट्स तो यार उनके लिए जो एकदम प्रोफेशनल पायलट्स है ना भाई उनके लिए मस्त रहेंगे अपन एक काम करते हैं भाई ये वाला जेट लेते हैं भाई सुन बह नहीं इधर कहाँ गया इधर इधर आ फटाफट से एक काम कर इसके भाई मुझे कंट्रोल्स वगैरह सिखा दे और फिर मैं इसको लेके चलता हूँ यहाँ से ठीक है ओके गाइस अभी एक काम करता है मैं ना थोड़े बहुत बेनी से इसके कंट्रोल्स वगैरह पता करता हूँ और भाई फिर लेके निकलता है इनको यहाँ से ऑल राइट तो भाई बेनी ने मुझे अभी सारे के सारे इसके कंट्रोल्स बता दिए हैं भाई मैं ना इस वाले को देख के इनसे हल्का समझ रहा था यार मैं कह यार ये इतने बढ़िया दिख रहे हैं और ये नॉर्मल सा ही है मतलब इतना कुछ दिखने में खास नहीं है ट भाई बहनी ने मुझे भी इसके फीचर बताया भाई इसमें ना ऑटो डिटेक्टर है जो कि एनिमीज को अपने आप डिटेक्ट करता है और भाई मिसाइल्स वगैरह फायर करता है मतलब कि ऑटो टारगेटिंग है जो कि अपने लिए बहुत काम आने वाली है और सबसे मेन चीज भाई ये ना हवा में एकदम स्टेबल भी रह सकता है इसमें दो मोड है हम इसको सीधा भी चला सकते हैं और भाई हवा में स्टेबल भी कर सकते हैं भाई ये जेट अपने लिए बेस्ट है चलो अभी फटाफट से काम करते हैं इसमें बैठते हैं हमने कंट्रोल्स तो वगैरह सब सीख लिए हैं बस भाई थोड़ा सा डर भी लग रहा है देखो मुझे चलाने में ना बस मैं आराम से चला लू भाई सेफली ओके हम जेट के अंदर तो आ चुके और भाई इंजन भी जो है इसका स्टार्ट हो चुका है रुको रुको भाई अंदर से ना एक कुछ ऐसा दिखता है भाई कितने सारे फीचर्स है देखो भाई मैं तो यहाँ पे फीचर छेड़ने वाला नहीं हूँ अपने को बस उड़ाना और मिसाइल वगैरह फायर करनी है उन लोगों में ठीक है चलो फटाफट जना इसको यहाँ से निकालते हैं ट्रैक पे लेके चलते हैं भाई मैंने साइड हो जाए यार अभी नया ड्राइवर हूँ कभी तुझे ठोक वोक के चला जाऊ मैं यहाँ से रुको रुको आराम से चल रहे बाकी ना बहनी अपने साथ रेडियो पे कनेक्टेड रहेगा अपने कोई भी दिक्कत आएगी भाई वो अपने को, को बता देगा ठीक है चलो आराम से यहाँ से निकालते हैं और लेट्स गो लेट्स गो टर्न हो चुके है भाई भाई एक तो यहाँ पे ना थोड़ी जगह कम है यार वैसे तो इतना बड़ा है बट ट्रैक मुझे थोड़ा सा ना यहाँ पे आगे निकालना पड़ेगा चलो चलो अब स्टार्ट करते हैं एकदम फुल पावर यहाँ से ओके बहनी बाय मैं जा रहा हूँ ठीक है भाई अभी कहाँ चले गए चलो कोई दिक्कत नहीं है इसको जाने देता है चलो तो अभी सब कुछ रेडी हो चुका है फटाफट से अपनी प्लेन में रेस देता है ओके जेट अपना चल चुका है स्पीड में काफी और हमने लीवर भी अप कर दिया है भाई उड़ने लगा यार अपना प्लेन ओके हम ये ऊपर आ चुके भाई ये देखो ये है बेनी का सीक्रेट बेस भाई मानना पड़ेगा यार कुछ गजा इस बंदे ने ना चलो फटाफट से निकालते हैं एक सेकेंड भाई इसके टायर्स कैसे ऊपर होंगे अपने साथ ना बेनी रेडियो पे कनेक्टेड है ओके वो कह रहा है तुम्हें रेड कलर का जो बटन है उसको प्रेस करना है और ओके लेट्स गो भाई टायर्स अंदर हो चुके हैं अभी अपना जेट फुल रेडी हो चुका है बैनी मेरी बात सुना अभी देख भाई मुझे ना वहाँ जाने से पहले थोड़ी बहुत टेस्टिंग यहीं पर करनी होगी क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई वहाँ जाके कोई भी दिक्कत आए अब बस तो मुझे ये पता कि यहाँ पे मिसाइल्स वगैरह कैसे फायर होनी है नीचे ना मेरे यहाँ पे पानी है तो एक काम करते हैं टेस्टिंग इसी पे कर लेते हैं भाई भाई आराम से आराम से भाई सही बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है मुझे ना इसको चलाने में भी ओके बैनी ने मुझे बता तो दिया भाई कैसे मिसाइल्स वगैरह फायर कर रहे हैं ऑल तो मैंने मिसाइल पर सेट कर दिया और ओके भाई मिसाइल्स फुल एकदम वर्क कर रहे हैं देख रहे हो हमने पानी में चला के टेस्टिंग कर ली अब एक बार ना जिसमें गन्स लगी हैं उनको भी चेक कर लेते हैं ओके गन मैंने यहाँ पे लगा लिया और लेट्स गो यहाँ पे गन्स वगैरह एकदम मस्त काम कर रही है भाई देख रहा हूँ मैं पानी के कितने पास से लेके आ रहा हूँ अभी ना फटाफट -फड़ से एक काम करते हैं सिटी में लेके चलते हैं इस प्लेन को और भाई रॉबिन को ना आज उड़ा ही देता है यार खत्म कर देंगे रॉबिन को भाई सच बता रहा हूँ वो बहुत ज्यादा शौक होने वाला है पहले वो समझ नहीं पाएगा भाई ये बंदा है कौन और उसके बाद ना रॉबिन को पकड़ना है इस मैंने ना एक बहुत मस्त प्लान बना रखा है जो कि आपको आगे देखने के लिए मिलेगा अभी बने ना और जिसने वीडियो को भाई यहाँ तक देख लिया ना कमेंट में जेट ऑपी लिख देना जिससे मुझे पता लग जाएगा भाई मेरे किस किस फ्रेंड ने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है और साथ ही साथ भाई वीडियो को लाइक भी करते चलो यार मैंने काफी बार नोटिस किया है आप लोग देखते रहते हो लाइक करना भूल जाते हो यार तो लाइक भी कर दो जल्दी से अभी वैसे अगर देखा जाए तो इतना भी हार्ड नहीं है यारेट चला देख रहा हूँ अभी मैं एकदम मस्त चला रहा हूँ एक सेकेंड भाई मैं बैनी से वो तो पूछना ही भूल गया यार कि एक कंट्रोल कैसे होता है। उसने कहा था रेड कलर का छोटा सा वेट मुझे दिख चुका है ओके मुझे इसको प्रेस कर रहे हैं और प्लेन अपने आप स्टेबल हो जाएगा और राइट मैंने प्रेस कर दिया वेट भाई आप लोगों ने देखा इसका जो एग्जॉस्ट है ना फ्लेम वाला वो नीचे की डायरेक्शन में हो चुका है और एक सेकेंड भाई अपना प्लेन भी बहुत ज्यादा स्टेबल हो चुका है ऑल राइट right, भाई ऐसे तो हम कहीं भी इसको रोक सकते हैं भाई सही में यार ये जेट को ज्यादा ही मस्त है अब ये काम करते हैं फटाफट से चलते हैं अपने को सामने बिल्डिंग भी देख चुके हैं चलो गाई अभी इसको फटाफट से उड़ाते हैं और भाई लेके चलते हैं अपने अपार्टमेंट की तरफ और राइट right, तो भाई अभी ना हम पहुंच चुके हैं अपनी बिल्डिंग के पास और भाई मैंने ना फ्रैंकलिंग को कॉल करके बता दिया है कि भाई जब तक मैं ऑर्डर ना ना तुझे भाई बिल्डिंग से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है और भाई वो मुझे बता रहा था ना कि रॉबिन ने भाई बिल्डिंग पे अटैक करना शुरू कर दिया है वो अपने काफ़ी सारे बंदे लेके आए रुको रुको हम ना आ तो चुके हैं अपनी बिल्डिंग ना जस्ट सामने ही है पहले एक बार एक काम करते हैं भाई मैं फायर वगैरह तुरंत नहीं करूँगा पहले देख लेते हैं यहाँ पे चल के क्या तो सीन हो रहा है एक सेकेंड भाई हेलो ये ये क्या चल रहा है भाई यहाँ पे देखे नो कितने सारे बंदे यहाँ पे नीचे आ रखे हैं और वेट भाई तो बिल्डिंग वगैरह पे अटैक कर रहे हैं रुको रुक मुझे ना थोड़ा सा आगे चल के देखना होगा भाई अब अपनी कोई फैमिली वाला तो यहाँ पे नहीं है ना रुको रुको अपने प्लेन को ना भाई यहीं पे रोकता हूँ और यहां से जस्ट चेक करता है क्या तो सीन चल रहा है भाई ये लोग बिल्डिंग पे भाई रुके ही नहीं जा रहे भाई दबा दब अटैक करे जा रहे हैं और एक सेकेंड भाई कितने सारे बंदे यहाँ पे आ रखे हैं मुझे ऐसा लग रहा है भाई रॉबिन ना यहाँ पे डगन की बहुत सारी आर्मी लेके आया है और एक बार ये देख रहे हो भाई लिफ्ट से ना भाई लोग भी नीचे आए जा रहे हैं भाई रुको रुको मुझे भाई ये लिफ्ट अटैक कर रहे हैं रुको भाई मुझे ना फटाफट से कुछ करना होगा अगर मैं यहाँ पे वेट करता रहा ना भाई ये कुछ ही देर में पूरी बिल्डिंग को यहाँ से गिरा देंगे और अपनी फैमिली अंदर है भाई अभी ना मुझे अपने प्लेन को भाई टर्न करके लाना होगा इसको भाई टर्न करना भी बिल्कुल आसान काम नहीं हमें बहुत आगे से यहाँ से घुमाना पड़ता है बट कोई दिक्कत नहीं अपना ना थोड़ा बहुत इस पे हाथ बैठ चुका है अब आ चुका है भाई वक्त इन लोगों की बैंड बजाने का रुको रुको भाई अब देखना मैं क्या करने वाला हूँ अपने प्लेन में भाई ऑटो डिटेक्टर तो है ही ना उससे हम इनका आराम से पकड़ लेंगे अभी ऊपर से लेके चलते हैं और लेट्स गो मैंने फायर तो कर दिया यहाँ पे ओके भाई उनकी काफी सारी गाड़ियां हो अपना प्लान जो हम बना के आते हैं ना भाई बहुत मस्त चल रहा है रुको वापस से घुमाते अपने प्लेन को भाई रॉबिन तेरी ना बैंड इतनी गंदे बजने वाली है भाई इसने सोचा भी नहीं होगा क्या हो सकता है आज इसके साथ रुको अब आ चुके हैं वक्त यहाँ पे सेकंड फायर करने का इन पे और लेट्स गो मेरा मिसाइल छोड़ दिया पे ऑल राइट भाई मस्त जा रहे हैं बंदे ना अभी ना थोड़ा दूर से टर्न लेके आना पड़ेगा भाई ये ना अगर मैं उल्टा घुमा रहा हूँ तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है यार प्लेन में मुझे थोड़ा सा आगे से घुमा के लाना पड़ेगा गाइस उनके नाम ने काफी सारी गाड़ियां तो डाउन कर दिया है अब ना बस इसको आराम से टर्न कर लेते हैं भाई हाथ तो इस पे बैठ चुके हैं बस थोड़ा सा टर्न करने में दिक्कत हो रही है रुको रुको इंटीरियर देखो भाई यहां से कितना मस्त है ना इसका हमें ना इसके यहाँ से निकाल लिया भाई नीचे से ना निकल जाए भाई कोई दिक्कत नहीं अब निकाल ही लेता है भाई मुझे सच में नहीं पता ये कहाँ तो जा रहा है अपने आप चल रहा है भाई कभी कभी तो ना ये चलो अभी आ चुका है वक्त भाई इनकी थोड़ी बहुत गाड़ी बची है इस बार ना भाई वो मेरे पे भी अटैक कर सकते हैं तो थोड़ा सा मुझे देख के चलाना होगा रुको अब हम आ चुके हैं उसी रोड पे ये वाली है ना हाँ यही वाली है अभी फटाफट से लेके चलते हैं और मैं अगली बार ना इन पे रेपिड फायर करने वाला हूँ मिसाइल वाले से तो हमने काफी सारी गाड़ियाँ फोड़ दी हैं अब एक दो बंदे से भी मारेंगे और एक सेकेंड ये कहाँ जा रहा है भाई ये लो बच गया भाई रुको रुको हमने निकाल तो लिया है और लेट्स गो भाई उनकी एक दो गाड़िया बची है अब आ चुका है वक्त भाई इसके बाद ना बस थोड़ी बहुत गाड़ी और फोड़नी है फिर मैं बुलाने वाला हूँ अपनी फैमिली को अभी से आपने फायर कर था। मैंने दो तीन मिसाइल फायर कर दी हैं। और लेट्स गो भाई। सारी गाड़िया इनकी उड़ चुकी है बस एक दो बंदे बचे हैं अब ना मुझे भाई प्लेन से काम तो नहीं एक सेकेंड भाई यहाँ पर पुलिस भाई कहीं ने पता नहीं लग गया भाई यार मुझे लग रहा है आसपास के लोगों ने भाई पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि यहाँ पे मिसाइल फायरिंग हो रही है रुको रुको अब भाई मुझे पुलिस से भी पंगा लेना पड़ेगा भाई पहले ही मुसीबत इतनी ज्यादा थी अब ये पुलिस कहाँ से टपक गई यार एक तो पहले ही इतनी मुसीबत थी और पता नहीं अचानक से पुलिस कहाँ से आ गई है एक तो यहाँ से मुझे आराम से निकालनी भाई यहाँ से पता नहीं जाते नीचे कर देता हूँ मैं लेट्स गो आई थिंक अभी सारे बंदे मर चुके हैं एक दो बंदे अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे रुक जाओ भाई अब ना मुझे प्लेन अपना वहां पे दूसरे मोड में रोकना होगा भाई एक एक बंदे को मारना पड़ेगा देखो थोड़ा सा नीचे लाता है नहीं नहीं भाई इस बार ऐसे टर्न नहीं हो पाएगा रुको 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 भाई डिसबैलेंस ना होने चाहिए यार ये या प्लेन अब मैं पता है क्या सोच रहा हूँ उनके पास जाता हूँ और इसका सेकंड वाला जो मोड है ना उसमें शिफ्ट करते हैं वेट यार भाई नहीं 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 यार पुलिस नहीं आनी चाहिए मुझे फटाफट फड़ से यहाँ से अपनी फैमिली को लेकर निकलना होगा मैं भाई पुलिस से पंगे लेने का टाइम नहीं है यार अभी यहाँ पे इनसे ही दिक्कत हो रही है एक सेकंड इन पुलिस वाले हेलीकॉप्टर को भी यहाँ पे डाउन करता है रुको एक तो यहाँ पे ब्लास्ट हुआ थोड़ा सा गेम लाग हो रहा है यार मेरा कोई दिक्कत नहीं है चलो अभी ना इसको यहाँ पे शिफ्ट करता है लेट्स गो अब मैं अपने प्लेन को यहाँ पे रोकने वाला हूँ वेट भाई मेरे प्लेन पर भी फायर कर रहे हैं ये लोग तुम्हारी बैंस क्या ये लो तुम लोग ये लो अब इन पे फायर करता हैं और सारे के सारे बंदे ना मैं इनके यहीं से डाउन करने वाला हूँ भाई मेरे पे कौन टारगेट लॉक कर रहा है एक सेकंड रुको 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 नहीं, नहीं 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 भाई रुको 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 अभी भाई प्लेन क्रैश था इसका मोड चेंज करता है भाई ऊपर उठ ऊपर उठ जल्दी 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 मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो अपने आस पास है जो कि अपने पर टारगेट कर रहा है यार नहीं 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 पुलिस का हेलीकॉप्टर तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है एक सेकेंड भाई फिर से डिटेक्ट कर रहा है रुको 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 मुझे ना यहाँ पे इनको ही मारना होगा भाई मैं समझ गया मुझे ना यहाँ से एक बंदा डिटेक्ट कर रहा है अब इनके एक दो बंदे बचे हैं फटाफट से इनको भी डाउन करता है ये काम आया ना भाई ये मस्ता अब इनके ऑलमोस्ट सारे बंदे डाउन हो चुके हैं आई थिंक बीच में वो एंथनी खड़ा है ना रुको रुको एंथनी बोल रहा हूँ रॉबिन रुको रुको भाई अब इस रॉबिन को तो जाने नहीं देंगे अभी एक काम करता हूँ फ्रैकली को इन्फॉर्म कर देता हूँ भाई वो मेरे साथ रेडियो पे ही है अगर तुम मेरी आवाज आ रही है ना भाई रेडियो हो जा तुझे, तुझे तुरंत से नीचे आना है और याद रखियो भाई गाड़ी जब तक मैं ना कहूं तुझे बिल्कुल भी नहीं रोकनी है मैं तेरे ऊपर रहूंगा कवर दूंगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगर तेरे सामने पुलिस भी आएंगी ना तो उससे तो मैं तुझे बचा लूंगा बस ध्यान रखियो तुझे गाड़ी बिल्कुल भी नहीं रोकनी है ठीक है चलो गाइज अभी एक काम करते हैं फटाफट चेक करते हैं वहां पे कोई बचा है फिर नहीं बचा है भाई मैं अभी ना बिल्डिंग के दस सामने आ चुका हूँ और जहां तक मुझे दिख रहा है यहाँ पे ना और कोई भी नहीं बचा है बस ये पुलिस वाले रुक रुको कहां पे है भाई ये हेलीकॉप्टर कहीं से तो फायर कर रहा है मुझे नहीं ऐसा निकलना होगा फ्रेंकली को मैंने कह देता भाई वो भी आ चुका होगा कहाँ रह गया भाई इतना टाइम नहीं वेट फ्रेंकली गाड़ी मुझे सामने दिख चुकी है अभी जल्दी से फटाफट से उसके साथ साथ चलता है एक तो भाई इन्होंने पुलिस वालों ने भाई पूरा सीन ही खराब कर दिया फ्रैंकलिन चलता रहता भाई मैं तेरे जस्ट ऊपर ऊपर ही चल रहा हूँ फ्रेंकली मेरी बात सुन भाई मैंने तो एक लोकेशन शेयर करी है तो वहाँ पे पहुंच इतना मैं इन लोगों से निपटता हूँ भाई इनकी ऐसी की तैसी भाई देख रहे हो क्या हाल कर दिया भाई अपने शीशे का ऑलमोस्ट ना भाई ये टूटने वाला है और अगर ये एक बार टूट गया ना भाई बिल्कुल भी भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा यार इसको संभालना अभी ना इन पुलिस वाले के चॉपर है ना इनको ब्लास्ट करते हैं एक दो को और भाई फटाफट से आंसर निकलते हैं देखो ये चाह के भी हमको पकड़ तो पाएंगे नहीं भाई बिल्कुल नहीं पकड़ पाएंगे भाई ये गाड़ी से क्या कर लेंगे यार भाई क्या मस्त ब्लास्ट है ना पीछे अब ये काम करते हैं मुझे ना यहाँ पे कोई पुलिस का चौपर तो आसपास अपने नजर नहीं आ रहा है फटाफट से निकलते हैं भाई यार ना ऑलमोस्ट जितनी भी गाड़िया देख रहे हो पुलिस की गाड़िया भाई नीचे घूमे जा रही है पर इनको क्या पता भाई आज माइकल जेट में है यार वैसे इनको पता ही नहीं होगा भाई माइकल चला रहा है इस जेट को अभी एक काम करते हैं फटा फट से ना निकलता है मैंने फ्रैंकिंग को तो लोकेशन दे दिया भाई बेनी के बेस की अभी जल्दी से वही पे इस जेट को लेकर निकलता हूँ यार यहाँ से इससे पहले कि भाई सीन हो जाएगा अगर देखो मैं जा तो राउंड से फाइट लेने के लिए बट अगर एक बार भी ये शीशा ब्लास्ट हो गया ना भाई देख रहे हो कितनी सारी गोलियां मार यार इन लोगों ने उस पर और ये एक बार ब्लास्ट हो गया फिर भाई ये प्लेन क्रैश होना इसका पक्का ही पक्का है और अब ना गई देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है भाई हमें ना अपनी फैमिली को सेफ रखना होगा और यहाँ पे बिल्कुल भी सेफ नहीं है वो लोग तो मुझे ना भाई जल्द से जल्द एक मेंशन और एक सिक्योरिटी भाई लेनी ही पड़ेगी वरना भाई ये डगन और ये रोलेक्स के बंदे भाई जीना आराम कर देंगे यार इनके चक्कर में भाई बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है अभी एक काम करते गई पड़ा पट से टाइम वेस्ट नहीं करते हैं जल्दी से अपने जेट को तो भगाते हैं मतलब कि भगाते नहीं उड़ाते हैं और लेके चलते हैं भाई बैनी के बेस पर ऑल राइट तो भाई अभी ना हम अपने प्लेन को उड़ाते उड़ाते है भाई आ चुके हैं उसी लोकेशन पे जहाँ से हमने प्लेन लिया था बस भाई अभी ना सबसे मेन टास्क है इस प्लेन को वहां पे आराम से लैंड करना रुक रुको पहले तो मैं इसका मोड यहाँ यहीं पे स्विच कर लेता हूँ अब ना बस जस्ट अपने को आराम से नीचे उतारना है भाई सामने ही अपना रन वे है रुको रुको थोड़ा सा हमने ना ज़्यादा ऊपर आ चुका है भाई थोड़ा नीचे ही लेते हैं इसको रन भी दिख चुका है हमें फटाफट से आराम से बाइक तो ना इसका शीशा भी टूट चुका है यार उसको भी बताना है बैनी को कि भाई बैनी थोड़ा सा यहाँ पे नुकसान करके ला रहा हूँ मैं तेरे जेट का ना कोई दिक्कत नहीं है भाई वो रिपेयर कर देगा और आई थिंक मुझे ना थोड़ा सा यहाँ से आगे लेना पड़ेगा और ये ठीक है चलो अब यहाँ पे आराम से भाई आराम से आराम से थोड़ा डिफिकल्ट है यार इसको ना लैंड करना रुको रुको इस तरफ लेता है हाँ अब परफेक्ट है यहाँ पे आराम से भाई ठुकना नहीं यार कहीं पे भी ऑल राइट टायर भी मैंने ओपन कर दिया भाई एकदम लास्ट टाइम पे टायर ओन किया है पेड़ मैंने यहाँ पे तोड़ दिया यार ये क्या कर दिया मैंने बट कोई बात नहीं अब ना इसको आराम से थोड़ा पीछे ले लेता ले हूँ भाई देख रहे हो क्या खतरनाक लैंडिंग करता है तुम्हारा भाई एक पेड़ भी तोड़ दिया भाई यहाँ पे मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई ये वापस लगवा लियो यार अब इसको लेके चलता है चलो चलो बाकी मेरी फैमिली वेट भाई फैमिली आ भी चुकी है यहाँ पे सही है सही है भाई बहनी सामने से भागता आ रहा है रुक रुक जा जा भाई खड़ा तो करने थे इसको जगह चाहिए मुझे अब भाई ये टुकराएगा हट जा हट जा सामने से हट जा भाई इसको यहीं पे लगा देता है जहाँ से हमने लिया था ना आराम से बस देख बहनी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है जिसके बारे में मैं अभी बताऊँगा रुक जा के इसको आराम से यहाँ पे लगा देता है भाई मजा ही आ गया मतलब यार आज इतना बढ़िया जेट है यार ये बहनी किधर है भाई बहनी फटाफट से जरा भाई भाई बेनी सुन यार देख थोड़ा सा सीन हो गया भाई यहाँ पे एक तो मैंने तेरा वो जो पेड़ था ना भाई वो गलती से मेरे से टूट गया और साथ ही साथ जो तेरे जेट के आगे वाला शीशा था यार वो भी वहाँ पे टूट गया एक सेकेंड भाई बहनी मुझे कह रहा है कोई बात नहीं भाई का इतना चलता है मैं उसको रिपेयर कर दूंगा भाई क्या मस्त है ना यार ये और हाँ जो तेरी पेमेंट बच रही है ना गाड़ी और जो तेरा जेट जता उसके लिए मैं तेरे पेमेंट भी कर दूंगा ठीक है जस्ट अभी कर दूंगा और जो जी टी आर है वो तो मैं से लेके जाने ही वाला हूँ बट यार देख मुझे ना तेरे से एक लास्ट फेवर चाहिए भाई मुझे पता है यार मैं तेरे से बहुत ज्यादा हेल्प मांग रहा हूँ कभी गाड़ी तो कभी जेट बट ये वाली पक्का लास्ट होगी देख जैसे तुझे तो पता ही है यार अपने साथ दो दो गैंग के पंगे हो रखे हैं अभी एक रॉलेक्स गैंग और एक अपनी डगन आर्मी तो मैं चाहता हूँ यार कुछ टाइम के लिए बस दो तीन दिन की बात है कुछ टाइम के लिए तो मेरी फैमिली को अपने सीक्रेट बेस पे रख ले उसके बाद तो मैं सब कुछ देख लूंगा ठीक है भाई अभी बहनी मेरे से पूछ रहा है कि तुम क्या तो करने वाले हो देख यार मेरा प्लान ना कुछ ऐसा है अभी तो मैं कुछ तगड़ा सा मेंशन लेने वाला हूँ यार मुझे नहीं पता भाई कितने पैसे खर्च हो भाई इन लोगों ने दम कर दिया यार नाक में एक पहले मेंशन लेंगे प्रॉपर उसके बाद एक बढ़िया सी सिक्योरिटी लेने वाला हूँ जो कि भाई डगन तो छोड़ो रॉल एक्स की गैंग की भी बैंड बजा दे ठीक है बस मुझे तेरा दो दिन का सपोर्ट चाहिए मेरी फैमिली को अपने सीक्रेट बेस पर रख ले उसके बाद सब कुछ सॉल्व हो जाएगा ओके कह रहा है बैनी तुम्हारा काम हो जाएगा बस तुम अपना ध्यान रखना ठीक है यार अब एक काम करता हूँ बैनी मैं मैं यहाँ से निकलता हूँ तुझे पेमेंट मैं पहुँच के कर दूंगा ठीक है चलो भाई अभी फटाफट पड़ से यहाँ से निकलते हैं भाई अपनी फैमिली भी भाई बहुत ज़्यादा परेशान है बाकी इसको मैंने अभी जो बताया है ना कि मैं अपने मेंशन और सिक्योरिटी लेने जा रहा हूँ वहां तो हम जाएंगे ही बट उससे पहले भाई मैं अभी जाने वाला वालों एक मस्त सी जगह पे देखो आपको पता होगा यार लास्ट एपिसोड में ना हमने डगन के होटल से एक बंदे को किडनैप किया था और अभी ट्रावर भाई उसको लगा हुआ कल रात से टॉर्चर करने में बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है और वो बता भी जाता है कि उसने की काफी सारी चीजें बता दी हैं तो फटाफट से ना भी उनके पास ही चलते हैं और देखते हैं भाई क्या क्या तो बातें पता लगी है ट्राइवर को भाई मैं चाह रहा हूँ कि बस वो ना हमें कुछ रॉल एक्स गैंग के बारे में बता दे और सबसे मेन तो ये बता दे भाई डगन बॉस फिलहाल कहाँ पे है और वो क्या तो प्लानिंग कर रहा है भाई सच बताऊँ तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है देखो लोग क्या सोच रहे हैं कि डगन भाई लॉस एंटॉस छोड़ के भाग गया है बट ऐसा मुझे तो भाई एक परसेंट में नहीं लगता है मुझे तो भाई ऐसा लग रहा है कि वो ना अपनी एक पूरी प्रॉपर गैंग बना रहा है मतलब अपने बंदे वगैरह ट्रेन कर रहा है उसके बाद भाई वो रॉलेक्स से पंगा लेगा चलो वो तो देखेंगे भाई क्या होता है अभी फटाफट फड़ से यहाँ से निकलते हैं और एक सेकेंड जाते आते ना भाई एक काम करेंगे इस गाड़ी का ना स्पीड टेस्ट भी कर लेते हैं यार हमने अब तक नहीं करा इतनी देर से चला रहे हैं इसको बाकी हाँ अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, तो कमेंट में माइकल ओपी लिख देना जिससे मुझे पता लग जाएगा भाई मेरे किस किस के ने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है और साथ ही साथ भाई लाइक करते चलो यार आठ हजार लाइक का ये मुझे पता है आप लोग करा दोगे तो फटाफट फड़ से वीडियो को लाइक भी कर दो चलो अब ये काम करते हैं इसको ना फटाफट फड़ से भगा के हाईवे पे लेके चलता है और वहाँ चल के इसका स्पीड टेस्ट करेंगे और राइट तो भाई अभी नाम जस्ट हाईवे पे आ चुके हैं अब भाई चेक करते हैं की आप लोगों ने जिस गाड़ी को वोट किया है वो उस लाइक है भी या नहीं ठीक है चलो भाई फटाफट से ना यहाँ से मैं रोक ही लेता तो भाई पीछे से गाड़ी इतनी नहीं आ रही है

भाई ट्राई करते हैं क्या ये 300 जा पाएगी मुझे तो लग रहा है भाई आराम से चली जाएगी एक सेकंड भाई थोड़ा ना यहाँ पे ट्रैफिक भी है मुझे थोड़ा सा ना देख के चलाना होगा ऑल राइट मैं आराम से नहीं नहीं भाई मुझे ना थोड़ा देख के चलाना होगा भाई कभी मैं स्पीड के चक्कर में गाड़ी को ठोक दूल मुझे ना यहाँ से नीचे लेना है क्योंकि जो ट्राइवर का सीक्रेट बेस है ना मतलब कि मैं बताता हूँ मैं आप लोगों के कहाँ पे जा रहा हूँ मैं अभी चलो गाइस फटाफट से भगाते हैं नहीं यार मेरे सामने ये लोग आ गए वरना आराम से अच्छी खासी स्पीड पकड़ रहे थे यार अगर वो सामने ना आता ना तो भाई हम आराम से तीन प्लस जा सकते थे बाकी अभी भी जितने टॉप स्पीड अपनी गाड़ी गई है ना कहीं आप लोग भाई मुझे कमेंट में बता देना कि कितनी टॉप गई थी एक सेकेंड भाई ये क्या सीन चल रहा है यहाँ पे भैंस क्या ये किसका कौन हुआ है भाई अब भी भाई यहाँ पे एक ट्रक जा रहा है जिसके ऊपर बहुत बड़ी मिसाइल रखी है भाई कौन है ये लोग एक सेकेंड रुको मुझे ट्रक ड्राइवर देखना होगा भाई कौन तो चला रहा है इसको और नहीं भाई ये तो रोल एक्स का बंदा है ना और एक सेकंड भाई मुझे देख रहा है भाई अपनी गाड़ी को यहीं पे रोक लेता हूँ अगर उन्होंने मेरी शक्ल देख ली ना तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी पे अभी और कहीं ये लॉस पर अटैक करने तो नहीं आया ना भाई पड़ा से ना यहाँ से आगे लेके चलता है मुझे ना इस बारे में फ्रैंकली नॉट ट्रैवल को बताना होगा भाई रुको रुको पड़ावर्सन अपनी गाड़ी को आगे लेके चलता है और भाई इनकी प्रॉपर एक पूरी वीडियो बनाएंगे भाई मैं सच बताऊं तो भाई इनको हल्के में ले रहा था मुझे लगा भाई ये कहीं अटैक नहीं करने उ बट भाई ये तो फुल तैयारी के साथ पे लॉस आ चुके हैं नहीं 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 यार मुझे ऐसे नहीं मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई मैं ऐसे खाली हाथ नहीं बैठ सकता हूँ फटाफट से ना भाई फटाफट से फोन निकालता हूँ और इनकी वीडियो बनाते हैं भाई बहुत खतरनाक सी होने वाला है अगर इन्होंने सच में अटैक कर दिया ना भाई इतनी बड़ी मिसाइल है वो अगर एक बार भी कहीं पे गिर गई ना तो भाई बहुत बड़ा धमाका कर सकती है वो

पीछे देखो भाई वही ट्रक आ रहा है जिसमें इतनी बड़ी मिसाइल रखी है भाई सच बताऊं भाई इसको देख के मुझे अभी डर लगा है अगर इन्होंने ये कहीं पे भी फायर कर देना तो भाई आप खुद ही सोचो यार कितना ज्यादा डैमेज कर सकती है यार भाई भाई नहीं नहीं मुझे इसके अलावा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा क्या मुझे मिलिट्री से कांटेक्ट करना चाहिए क्या भाई इनको बताना चाहिए कि ऐसा कुछ होने वाला है और अभी तक तो भाई मेरी सिक्योरिटी भी नहीं आई है तो मुझे बहुत ज्यादा खतरा है यार अभी फटाफट से मैंने इनकी वीडियो तो बना लिया है अभी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठते और भाई निकलते हैं इस तरफ से जाने नहीं वाला हूँ भाई कोई और रास्ता ढूंढते और भाई निकलता हो मुझे लग रहा है भाई इनके ना अभी और भी बहुत सारी गाड़िया होंगी अभी तो यार हमें पे काफी कम गाड़िया दिख रही हैं भाई मुझे लग रहा है ये ना अपनी और भी काफी सारी आर्मी बुलाने वाले है और ये भाई लॉस एंड कुछ बड़ा ही प्लान कर रहे हैं यार अटैक करने का मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा बट भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे अभी क्या करना चाहिए रुको मेरे पास एक आइडिया है भाई पड़ा बटना सबसे पहले उस बंदे के पास चलते हैं जिसको हमने किडनैप कर रखा है क्योंकि तो भाई सिर्फ वही एक बंदा है जो की हमें इन लोगों के बारे में बता सकता है कि एक्चुअल में ये रोलेक्स है कौन और इनका और डगन का क्या सीन चल रहा है क्योंकि जब से रोलेक्स यहाँ पे आया ना भाई लॉस एंटोस में जब से डगन का भी भाई कुछ अच्छा पता नहीं है भाई वो कहाँ तो चला गया और क्या तो सीन करने वाला है वो भी चलो भाई अभी एक काम करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं फटाफट से अपनी गाड़ी को भगाते हैं और भाई चलते हैं सीधा ट्रैवर के पास गाय मैं नावर के पास तो जा ही रहता है बट मुझे एक मस्त आइडिया है यार अभी देखो हमने प्लान तो कर रखा है लेने का बट मैं सोच रहा हूँ यार सिक्योरिटी लेने से पहले ना एक बढ़िया सा मेंशन ले लेते हैं यार क्योंकि अगर हम सिक्योरिटी लेके भी आ गए तो भाई इसको रखेंगे कहाँ पे इसलिए एक काम करते हैं भाई बढ़िया सा मेंशन भी लेंगे आज बस एक बार हमने जिसको किडनैप कर रखा है ना उससे भाई पता लगा ले रोलेक्स और डगन के बारे में फिर तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ठीक है उसके बाद तो हम देख लेंगे भाई एक बार सिक्योरिटी आने तो इन सबकी बैंड बजा देंगे एक सेकेंड यहाँ पे ट्रैफिक किस बात का लगा हुआ है ओके यहाँ पे ट्रेन भाई हेलो ये ट्रेन कितनी धीरे चला रहा है भाई कौन है इसका ड्राइवर भाई यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा हम तो वैसे इतनी लेट है यहाँ पे उस देख हो रो, पूरी रोड पे इसके पास यहाँ पे ट्राफिक लगा हुआ है और कोई रास्ता भी नहीं है यार इधर से आगे उन्होंने बंद कर रखा है अभी अपने पास कोई और रास्ता भी नहीं यार एक काम करते हैं वेट ही कर लेते हैं भाई यहाँ से ट्रेन के जाने का गए यार मुझे ना यहाँ पे भाई वेट करते करते बहुत ज्यादा देर हो चुके है भाई ये ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही यार बहुत धीरे धीरे चल रही है एक सेकेंड ये कैसी आवाज है भाई वेट भाई कितने सारे सारी एक सेकंड पीछे लोग भाई उन्होंने मिसाइल यहाँ पे फायर कर दिया और भाई

उन लोगों ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया है अभी हमने उनकी गाड़ी जस्ट देखी थी भाई और उन्होंने ना एयर स्ट्राइक अटैक भी करने शुरू कर दिया भाई अभी तो यहाँ पे और इनका पहला अटैक है पता नहीं भाई ये लोग कहाँ कहाँ पे अटैक करने वाला है भाई नहीं यार मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से भाई पूरे लॉस एंड को भुगतना पड़े भाई मुझे ना जल्द से जल्द कुछ करना होगा अपनी सिक्योरिटी लेके आनी होगी और इनकी बैंड बजानी होगी यार वरना यार अगर मैं सिक्योरिटी लाने में लेट हो गया ना तो भाई ये पूरे लॉस एंड टॉस पे कब्जा कर सकते हैं भाई मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा अभी ना बस अपनी लास्ट तो भाई वो बंदा है जिसको हमने किडनेप कर रखा है बस वो कुछ ऐसा हमें बता दे भाई रॉलेक्स गैंग के बारे में जो हम सीक्रेटली इनके वहाँ पे एंटर करें और भाई कुछ ऐसा पता लग जाए जिससे हम इसकी गैंग को हरा सकते हो यार चलो गाइस अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं भाई फटाफट से अपनी गाड़ी को भगाता हूँ और सीधा चलते हैं भाई भाई के पास ऑल राइट right, तो भाई, अभी ना मैं गाड़ी भगाते हुए आ चुका हूँ भाई ट्रावर की लोकेशन पे जहाँ पे उसने मुझे बुलाया है यार उसने ना इस सीक्रेट बेस में मुझे काफी बार इसके बारे में बताया तो है बट मैं आज से पहले कभी यहाँ पे आया नहीं हूँ उसने ना यहीं पे मुझे बताया था कि वो बाहर ही मेरा वेट कर रहा है जस्ट अभी कॉल पे बात हुई थी एक सेकेंड इसी तरफ वो बता था रुको रुको आई थिंक मेरा वहाँ पे जाना है फटाफट से चलते हैं भाई एकदम सुनसान एरिया में उसने लिया यहाँ पे कोई दिख भी नहीं रहा है भाई बस थोड़ी बहुत ट्रक्स वगैरह खड़े एक सेकेंड भाई ट्रावर यहाँ पे खड़ा हुआ है ऑल राइट तो बहुत चुके हैं भाई ट्रावर के पास और ये मुझे कह रहा है कि अंदर हमें यहाँ से जाना है चलो भाई फटाफट से ना गाड़ी को अंदर लेके चलता है एक सेकेंड वेट यहाँ पे भाई ट्रावर का ट्रक खड़ा हुआ है जिसने हमारा भाई हर बार बहुत ज़्यादा साथ दिया भाई ये ट्रक को देख के ना अलग ही दिल खुश हो जाता है चलो अभी फटाफट से चलते हैं भाई ड्राइवर बता यार वो बंदा कहाँ और क्या सीन चल रहा है ओके ड्राइवर कह रहा है आज मेरे पीछे भी चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ भाई साहब मैं ना इस बीच से पहली बार और एक सेकेंड भाई क्या मस्त है यार इसका फटाफट से अंदर चलते हैं अभी ना आपको ये जगह भाई कुछ खाली खाली लग रही होगी बट कुछ दिन की बात है भाई उसके बाद ना यहाँ पर एक बहुत तकड़ी सिक्योरिटी आने वाली है यहाँ पे क्या भाई फिर तो हर जगह आएगी अपने घर वगैरह पे भी चलो भी फटाफट से देखते हैं और एक सेकंड भाई यहाँ पे ड्राइवर उस बंदे को टॉर्चर कर रहा है भाई इसने ना भाई बहुत पीटा ट्राइवर ने अलग दिख रहा है भाई बस कर हेलो ट्राइवर भाई रुक जा रुक जा मर जाएगा भाई वो इतना गुस्सा उतार रहा है भाई तू ने क्या करा वो कल से इसका तू अभी मेरे सामने इतना बता रहा है भाई इसमें अरे इसने काफी कुछ बता दिया है बट जो हमें मेन इससे जाना चाह रहे हैं ना भाई ये वही नहीं बता रहा है और ड्राइवर अभी इसे फिलहाल पूछ रहा है कि बता तेरा वो रॉल एक्स कहाँ पे हमें मिलेगा अभी भाई देखो हमें ना इससे क्या जाना है मैं बताता हूँ आप लोगों को यार देखो हमें रॉलिक्स गैंग के बारे में पता है कि वो यहाँ पे लॉस एंड में आ चुके हैं और वो मुझे ही पकड़ने आया है और साथ ही साथ दगन का और उनका क्या रिलेशन है मैं वो इससे जानना है और सबसे मेन चीज आखिर ये रोलिक्स है कौन और ये कैसा मतलब देखने में कैसा देखता है भाई ये सब चीज़ें ना मुझे जाननी है और मतलब ये मिलेगा कहाँ पे भाई क्योंकि अब तक ना मैंने रोलिक्स इतनी बार सुन लिया बट एक बार भी कहीं वो देखने के लिए मिला मुझे कि वो कौन है क्या करता है इतना भी नहीं पता भाई अभी एक काम करता है फोटाफट से ना अंदर चलते हैं क्या तो पता चला है इसके बारे में और, और इस बंदे को मैं थोड़ा कूटता हूँ तो सुन, सुन, पहले ही बताया ये बंदा मरना नहीं चाहिए सुन रहा है ना मेरी बात को ध्यान से ये बंदा बिल्कुल नहीं मरना चाहिए भाई अपने बहुत काम आने वाला है आगे ये मत भूल कि ये डगन के बारे में नहीं जानता है इसको रोलेक्स के बारे में भाई सब कुछ पता है ठीक है तो अभी ना फटाफट से इसको कूटता है ओके ट्रावर मुझे बता रहा है अभी कि इसने काफी कुछ मुझे बता दिया है चलो गाइस अभी ना एक काम करता हूँ भाई ट्रावर से जानता हूँ क्या तो बताया और फिर बताता हूँ आप लोगों को ठीक है चलो अभी फटाफट से मैं आप इससे एक बार बात कर लेता हूँ ट्रावर से और पता करता है भाई क्या क्या तो इसने इंफॉर्मेशन दी है और फिर आप लोगों को बताता हूँ गाइस ड्राइवर ने ना मुझे अभी सब कुछ बता दिया है जो भी इस बंदे ने ट्रावर को इन्फॉर्म किया वाला जो भी सब चीजें इसने बताई हैं वो सब ड्राइवर ने अभी फिलहाल मुझे बता दिया है देखो सबसे पहले तो ये बंदा आपको दिख रहा है ना भाई ये बंदा ना इतना चलाक है यार मतलब देखो ये एक तरफ से रॉलेक्स के लिए भी काम कर रहा है और दूसरी तरफ डगन के लिए भी काम कर रहा है पर अगर देखा जाए तो ये मेन रॉलेक्स का बंदा है ये जो भी डगन की गैंग में नई नई चीज चल रही हैं कोई बंदा आ रहा है वेपन्स आ रहे हैं ये सब चीजें जाके रोलेक्स की आर्मी को इन्फॉर्म करता है और अब आते हैं सबसे मेन डगन और रोलेक्स की कहानी पे कि आखिरकार ये आपस में इतने बड़े दुश्मन बने कैसे देखो ये बात बहुत पहले की है डगन और रोलेक्स आपस में ना ये बिजनेस पार्टनर थे और कोई ऐसा वैसा बिजनेस नहीं जिसमें कि मतलब नॉर्मल बिजनेस नहीं ये लोग इल्लीगल बिजनेस क्या करते थे जैसे कि गन सप्लाई करना ड्रग्स सप्लाई करना ये सब जितने भी इल्लीगल काम होता है ना ये सब यही लोग करा करते थे और इनको करते-करते लॉस में इतना बड़ा नाम बन गया था ना मतलब कि हर कोई बंदा इनसे डरने लगा था नॉर्मल पब्लिक जो भी जा रही है ना सब इनसे डर डर के चला करती थी जहां तक कि पुलिस आर्मी सिक्योरिटी सब इनसे डरा करते थे इन दोनों ने लॉस एंटोस में अपना इतना खौफ बना लिया था कि इनसे फाइट लेना तो छोड़ो भाई कोई इस बारे में सोचता तक भी नहीं था फिर ऐसे चलते ही चलते बहुत सालों तक ऐसे पूरे लॉस में अपना नाम बनाए रखा पर कब तक आखिर ऐसे चल पाते भाई फिर आता है कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखो सब गैंगस्टर चाहते हैं कि उनका भाई नाम हो सब उनसे डरे और जो वो कहें वो हो के रहे हर चीज नाम तो इनका खूब हो रहा था पर सिर्फ एक बंदे का और वो है रोलेक्स और भाई ये चीज सुन के ना डगन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मतलब वो देख रहा था कि भाई चारों तरफ ना पूरे लॉस एंटोस में रोलेक्स ही रोलेक्स हो रही है डगन के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है और ये चीज देख के उसने फैसला लिया कि वो रोलेक्स से अलग होगा उस चक्कर में डगन ने रोलेक्स के साथ काम करना छोड़ दिया और उस दिन से इन दोनों ने अपना काम अलग अलग कर लिया यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था पर अचानक से देखते देखते डगन और रोलेक्स के बीच में लड़ाइया शुरू होने लगी कुछ बंदे रोलेक्स की तरफ थे तो कुछ बंदे की तरफ और इन लड़ाइयों की वजह से इन दोनों का ही बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा जिस वजह से जो बाकी की लॉस में छोटी मोटी गैंग्स थे ना भाई वो उस पल का फायदा उठाने लगी जो पहले डील्स डगन और रोलेक्स किया करते थे ना अब वो डील्स बाकी की गैंग्स करने लगी फिर एक दिन ऐसा आता है डगन बॉस फैसला कर ही लेता है या तो लॉस एंटॉस में वो रहेगा या फिर रोलेक्स तो फिर डगन अपने सिक्योरिटी के साथ एक प्लान बनाता है और भाई रात के अंधेरे में रोलेक्स के बेस पे हमला बोल देता है वो अपनी पूरी की पूरी सिक्योरिटी लेके वहां पे जाता है और रोलेक्स के धोखे से सारे के सारे बंदे मार देता है और फिर डगन यहाँ तक भी नहीं रुकता भाई वो रोलेक्स को लेके पूरे लॉस एंटोस में घुमाता है और उसको बदनाम करता है सबको ये बोलता है कि यही था ना तुम्हारा रोलेक्स देखो मैंने इसका क्या हाल कर दिया है भाई ये देख के ना रोलेक्स एकदम टूट जाता है अंदर से और उस दिन के बाद से ना रोलेक्स कभी भी लॉस एंटोस में दिखाई नहीं दिया और भाई उस दिन के बाद से ना रोलेक्स इतना ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है कि भाई वो लॉस सेंटॉस छोड़ के चला जाता है और उस दिन से लेके आज तक रोलेक्स को किसी ने भी नहीं देखा है कि वो अभी कहाँ पे तो है और क्या कर रहा है देखो यहाँ तक तो रॉलेक्स चला जाता है भाई लॉस एंटॉस छोड़ के अब आप लोग सोच रहे हो भाई उसके बाद डगन का क्या होता है जब जब रोलेक्स और डगन की फाइट हुई है भाई लॉस एंटोस में बहुत ज्यादा हंगामे हुए हैं काफी लोग मारे गए कभी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे है जिस करके ना भाई पुलिस मिलिट्री सब लोग इनसे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे जैसे ही पुलिस को पता चलता है ना कि भाई रोलेक्स लॉस एंटॉस छोड़ के जा चुका है भाई तभी पुलिस अपनी पूरी फोर्स लेके आती है और बॉस को अरेस्ट कर लेती है और उस दिन के बाद से अगले साल तक पुलिस के सामने नहीं आया देखो इसलिए ना भाई इसने जो वो ट्रेन रॉबरी थी ना भाई वो मुझसे करवाई खुद ना करके भाई ये नहीं चाहता कि इसका अभी कहीं पे भी नाम आए देखो ये लीगल काम तो अब भी कर रहा है बट अभी तक किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है भाई ये ये दिमाग से मतलब बहुत बहुत बंदा है है यार बढ़िया बढ़िया प्लान्स बनाता है और फिर एक्शन लेता है और जैसा कि मुझे इसकी बातों से पता चल रहा है ना भाई डगन ऐसे डरने वाला नहीं है भाई इसने मुझे बता दिया है कि डगन डरा नहीं है वो अपनी सिक्योरिटी और बढ़ा रहा है अपने बंदे ट्रेन कर रहा है उसके बाद वो रोलेक्स रॉलेक्स गैंग पे हमला बोलेगा और पूरे लॉस एंटॉस में अपना नाम फिर से बनाने जा रहा है गाइज अभी ना आपने ये तो जान लिया है कि भाई डगन और रोलेक्स इतने बड़े दुश्मन क्यों हैं देख अब मेरा ना तेरे से लास्ट सवाल है फटाफट पहले तो खड़ा हो भाई फटाफट से ऊपर खड़ा हो देख मैं देखिए ज्यादा नहीं मारूंगा भाई अगर तूने इसका जवाब मुझे दे दिया ना मैं तुझे जाने दूंगा पक्का मैं जिंदा छोड़ दूंगा जाने दूंगा बस मुझे ये बता दे कि अभी इस टाइम रोलेक्स कहा मुझे मिलेगा देख मुझे उसकी गैंग से कोई मतलब नहीं है बस मुझे रोलेक्स का बता दे रोलेक्स मुझे अभी पर मिलेगा और वो एक सेकेंड ओके okay, भाई ये मुझे अभी कह रहा है कि रोलेक्स अगर तुम ढूंढ भी लोगे तो तुम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे रुक जा रुक जा भाई तू ना मुझे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहा है सुन सुन मेरी बात सुन अब तेरे से ना बहुत आराम से बात कर लिया है ट्रैवर तुझे भाई पेल ही रहा है मैं सीधा उड़ा दूंगा अगर ज्यादा गुस्सा दिलाएगा तो मुझे बस तेरे से इतना जानना है कि मुझे रोलेक्स कहाँ पे मिलेगा मुझे पता है देख तो सबको जानता है क्योंकि तो उससे ना बहुत पहले से है क्यूँकी तुम तो इतनी सारी चीजें पता है तो तू बहुत पहले से उनके लिए काम कर रहा है ये मैं जान चुका हूँ भाई अभी ये मुझे कह रहा है कि तुम चाह के भी रोलेक्स को नहीं ढूंढ सकते हो क्योंकि वो अंडर कवर काम करता है। भाई ऐसा कैसा गैंगस्टर है भाई जो इतना डरता है सामने आने से और पीछे पीछे से काम कर रहा है भाई सुन सुन मेरी बात सुन ओके अभी ये मुझे कह रहा है कि तुम उसको हल्के में मत लो जितना डगन अंडर वाटर बेस में पैसा रखता है उतना तो वो एमुनेशन पे खर्च कर देता है

भाई ये कह रहा है कि वो ओशन के एकदम बीच में और वो बहुत नीचे जाके है तुम चाह के भी वहां पर नहीं जा सकते हो देख वो मेरे ऊपर छोड़ दे मैं वहां पे चला जाऊंगा बस तू ना मुझे उस लोकेशन के बारे में बता वो लोकेशन है कहाँ पे ठीक है आई बात समझ में भाई मना कर रहा है बंदा ठीक है रुक जाओ तुझे ना अभी और पिटाई की जरूरत है ट्रैवल मेरी बात सुन अभी ना मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ भाई मैंशन खरीदने के लिए इतना मैं आता हूँ ना इसको इतना पीट किए उस अंडर वाटर बेस के बारे में सब कुछ बता दे ठीक है मैं आता हूँ थोड़ी देर में और याद रखियो मेरी बात ये बंदा मरना नहीं चाहिए ठीक है इसको भाई देख के मारियो कभी तो इतना गुस्से में आए और ये मर जाए ये ना अपने बहुत काम आने वाला है इसलिए मैं तुझे दोबारा बोल के जा रहा हूँ ये बंदा मरना नहीं चाहिए ठीक है चल मैं आता हूँ अभी फटाफट से गाइस इतना ट्रावर इसको टॉर्चर कर रहा है भाई खूब मारियो बस वो लोकेशन देख मुझे पता लगा है। भाई देखो अपने को पैसे की जरूरत है हम सिक्योरिटी भी लेने वाले है और मेंशन भी लेने वाले हैं अब तो भाई मैं पहले सोच रहा था यार सिक्योरिटी और मेंशन लेने में काफी खर्चा हो जाएगा बट अभी अपना काम हो चुका है डगगन का पैसा अपने काम आने वाला है अभी काफी ज्यादा ना चल तो पता लगा उस बेस की लोकेशन के बारे में इतना मैं आता हूँ ठीक है अभी गाइस अगर एक बार में हमें डगगन के अंडर वाटर बेस के बारे में पता चल गया ना तो भाई अपने लिए काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा अभी ना फटाफट से चलता है बाकी हां यार जिसने वीडियो को यहां तक देख लिया है फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही साथ कमेंट में अपने नाम के साथ ओपी लिख देना जिससे भाई मुझे पता लग जाएगा कि किस किस बंदे ने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है और अभी नाम उस कॉन्ट्रैक्टर के पास जा रहे हैं भाई जिसने कि हमारा घर जो पूरा रेनोवेट करा है ना वो भाई प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करता है तो वही हमको मेंशन वगैरह दिखा देगा एक सेकंड हेलो भाई इसका ड्राइवर कहाँ चला गया बे भाई बैठा हुआ भाई हट यहाँ से क्या कर रहा है यहाँ क्यों रुक गया भाई बढ़िया बन बंदा है चलो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं एक सेकंड उधर से भी एग्जिट है ना वहाँ से फटाफट से भगाते हैं और गाड़ी को निकलते हैं बस यार एक बार ना हमको अंडर वाटर बीस के बारे में पता लग जाए भाई ये तो बता ही नहीं रहा था यार इसके ना गलती से निकल गया और अब तो हम जान के रहेंगे भाई बस होप कर रहा हूँ यार जितना मैं वापस आऊँ हाँ। ड्राइवर उसके लोकेशन के बारे में पता लगा लिया अभी फटाफट से यहाँ से निकलते हैं भाई को पी भी ले गया तूने तो हेलो

चलो एक बार बता देता हूँ भाई फटाफट से अभी अंदर चलता है भाई ये क्यों आ रहा है मेरे पास चलो भाई तुम्हारे बॉस ने बुलाया मुझे उनसे मिलना है मैं यहाँ पे ओके आई थिंक ये गेट खोल रहा है चलो भाई फटाफट से अंदर चलते हैं और भैया क्या भाई इसका मेंशन खुद मुझे कुछ तकड़ा सा लग रहा है एक बार ना अंदर चल के देखते हैं ओके हम अंदर तो आ चुके हैं और एक सेकेंड भाई इतनी सिक्योरिटी क्यों है भाई इसके पास बताओ यार इसके पास भी सिक्योरिटी है भाई अपने पास ही नहीं है इसके पास भी इतनी सारी सिक्योरिटी और यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं चलो एक काम करते हैं फटाफट से भाई अभी अंदर जाने का टाइम है क्योंकि हम वैसे ही बहुत लेट हो रहा है अभी फटाफट से उसको बुला लेते हैं भाई हॉर्न मार के वो आ जाएगा उसने कहा था जब भी पहुंच जाओ मुझे एक बार बुला लेना ओके वो आ चुका है भाई आ जा फटाफट से यार लेट हो रहा है गाइस इसको ना मैंने पेमेंट कर दिया भाई अपने घर की पूरी और इसने अभी तक अपने घर का काम कंप्लीट नहीं करा है चलो ये कह रहे तुम चलो मैं अपनी गाड़ी में लेके आ रहा हूँ भाई इसी में आ जाता है यार अपनी गाड़ी अच्छा शॉफ भी तो करना है भाई बंदे को चलो कोई दिक्कत नहीं अब फटाफट से इसको लेके चलते हैं और भाई आज बढ़िया सा कोई मैं देंगे गाइस देखो मैं ना ऐसा करने वाला हूँ मैं ना आप लोगों को काफ़ी सारे मैंशन दिखाऊंगा अभी और जो मुझे पसंद आएगा मैं वो भी आपको बता दूंगा बाकी जिस पे भी सबसे ज़्यादा वोट्स आते हैं वही सेम चीज़ करेंगे इंसा और व्हाट्सएप पर मैं पोल डालूंगा जिस पे भी सबसे ज़्यादा वोट्स आते हैं ना हम वही वाला घर परचेज़ करने वाला है देखो यार मैंने आपके कहने में भाई ये गाड़ी लिया मुझे ना भाई सच बता रहा हूँ बहुत मस्त लग रही है भाई ये गाड़ी तो इसलिए जिस पे भी सबसे ज़्यादा वोट आएंगे वही वाला हम घर परचेज़ कर लेंगे चलो अभी फटाफट से भगा के लेके कर चलता है आपको कुछ नहीं करना है उसके लिए ना बस इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो आपको नीचे पेन कमेंट में लिंक मिल जाएगा वहां से इजीली ठीक है चलो भाई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं भाई फटाफट से अपनी गाड़ी को भगाते हैं और भाई सीधा निकलते हैं अपने पहले मेंशन की तरफ ओके okay, तो भाई हम ना अपने पहले मेंशन पे आ चुके हैं ये यही है पे बता रहा है यहीं पे अंदर चलना है चलो भाई फटाफट से चलते और यहाँ पे ऑटोमेटिक गेट है भाई बहुत बढ़िया यार चलो और एक सेकेंड भाई यहाँ पे तो काफी सारे पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं और इस तरफ यहाँ पे गैराज है गाड़ियों का चलो फटाफट से अपनी गाड़ी को यहाँ पर लगा देता है ठीक है भाई आ जा भाई फटाफट से देखा यार देख अपने पास ना ज़्यादा टाइम नहीं है मैं एक दो मेंशन देखने वाला हूँ और बढ़िया बढ़िया से देखा हो देख मुझे ना ऐसे चाहिए जो एक तो दिखने में एकदम बड़े बड़े और खुले खुले से हो अपनी पूरी फैमिली रहेगी और साथ ही साथ अपनी सिक्योरिटी भी आने वाली है वैसे इस वाले मेंशन की लोकेशन ना भाई अपने पुराने घर से ज़्यादा दूर नहीं है बहुत पास ही है और एक सेकंड भाई यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही प्लांट्स नहीं है क्या भाई फुल एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी है भाई चारों तरफ और यहाँ से इसकी एंट्रेंस है ओके यहाँ पे अभी ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पे इसका वेटिंग एरिया है जो भी तुमसे मिलना आएगा मस्त यहाँ पे वेट कर सकता है भाई बढ़िया यार एक तरफ देखो यार यहाँ पे ना हर जगह भाई ग्रीन प्लांट्स ही प्लांट्स लगा रखे है और यहाँ से अभी मुझे बता रहा है कि तुम भाई यहाँ से इतना प्यारा व्यू मिलने वाला है देखो व्यू तो ठीक है मतलब इतना भी बढ़िया नहीं है बट हाँ अच्छा लग रहा है चलो भाई अंदर चल के देखते हैं अंदर क्या सीन है यहाँ पे भाई मानना पड़ेगा भाई ये ना मुझे जंगल में अं� ज्यादा लग रहा है यार ये वाला घर और अंदर चल के देखते हैं कुछ ओके अंदर से ये ऐसा दिखता है और डार्क थीम लग रही है ना मुझे थोड़ी सी डार्क डार्क सा है घर तो कह रहा है यहाँ पे तुम्हारी किचन है ऑल राइट right, यहाँ पे डाइनिंग टेबल वगैरह है भाई मतलब थोड़ा डार्क डार्क सा थीम है देखो मैंने ना इसको कह दिया भाई पहले ही घर कितने महंगा कोई दिक्कत नहीं है बट वो तो बड़ा होना चाहिए और ये मुझे सही बताऊँ तो कहीं से बड़ा तो लग नहीं रहा है भाई आज आज आगे देखते हैं भाई क्या सीन है यहाँ पे बाकी इस तरफ यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है जिससे भाई आराम से बाहर का व्यू यहाँ से भी देख सकते हैं चलो एक सेकेंड ओए हेलो भाई इधर आ इधर आ इधर आ ये ये बेडरूम है क्या ये हेलो भाई मुझे पता है देख मुझे खुला खुला घर चाहिए बट इतना भी खुला नहीं यार ये कह रहा है हाँ ये इस घर का बेडरूम है भाई कोई रूम तो होना चाहिए था ये खाली बेड बेड है रूम तो है नहीं यहाँ पे खाली बेड बेड रखा हुआ है भाई, भाई यहाँ पे ओके यहाँ पे एक वार्ड है जहाँ पे अपने कपड़े वगैरह रख सकते हैं एंड इस तरफ क्या है भाई यहाँ पर ना कुछ राइट में भी है और एक सेकेंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या ये बाथरूम है भाई ये कह रहा है कि ये बाथरूम है भाई हेलो देख मुझे खुला खुला घर चाहिए था बट इतना भी खुला नहीं चाहिए और यहाँ पे खुले में बात नहीं नहीं भाई सुन 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 अच्छा अच्छा मुझे ये घर पसंद ही नहीं आया भाई मतलब पसंद है बट इतना खुला नहीं चाहिए यार मैंने तुझे कहा भाई मुझे खुले खुले घर चाहिए तो ज़्यादा खोल दिया भाई इसने एंड इस तरफ यहाँ पे भी एक और बाथरूम है क्या भाई यहाँ पे टावल्स वगैरह रखे है ओके यहाँ पर एक स्विमिंग पूल है घर के अंदर स्विमिंग पूल है जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है भाई ये मुझे मस्त लगी काफ़ी एंड यहाँ पर क्या है ओके यहाँ पर कुछ बार टेंडर टाइप पर तुमने तो कुछ बना रखा है चलो भाई इस तरफ भी देख लेते हैं ऑन राइट ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पे मस्त चिलेंगे रहे तो हम यहाँ पे शाम को आराम से घूम सकते हो आके भाई एक बात बता यार जो आप ये फर्नीचर वगैरह है ये हमको मिलेगा ना घर के साथ ही या फिर ये अलग मिलेगा ओके ये कह रहा है कि नहीं नहीं तुम्हें पूरा घर सेमी फर्निस्ट मिलेगा जितना भी फर्नीचर तुम्हें दिख रहा है ना ये सब तुम्हें मिलने वाला है ठीक है ठीक है भाई ये तो ठीक बात है बट एक सेकेंड यार ये ना मुझे घर इतना पसंद नहीं आया सच बताऊँ तो भाई एक तो ये छोटा है और ऊपर से रूम्स वगैरह नहीं है यार इसमें ना कोई पर्सनल स्पेस है ही नहीं भाई सुन तेरे पास और भी घर चाहिए देख ये वाला घर अच्छा है बट यार ये मेरे मतलब का नहीं है ओके ये कह रहा है कि हाँ मेरे पे एक दो घर और है मैं तुम्हें दिखा देता हूँ और चो लगा और रूम देखते हैं बाकी ये वाला घर ना मतलब ठीक ठाक था, था बट अपने मतलब का नहीं है यार ये मैं ना इसको क्या कह दिया भाई मैंने जब ये घर पे था मैंने उसको कॉल पे कहा कि भाई मुझे घर ऐसे ऐसे दिखाई हो एकदम खुले स्पेस हो और बढ़िया बड़े बड़े से हो भाई इसने कुछ ज़्यादा ही खुलाफा दिखा दिया मुझे फटाफट से भी यहाँ से निकलता है ये तो हमने देख लिया है बाकी हाँ यार आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है मैं ना एक समस्त पे पोल डालूँगा जैसे भी सबसे ज़्यादा वोट आता है वो वाला घर हम ले लेंगे तो जैसे जिसको पसंद आ रहा है टेंशन लो यार अगर आपको पसंद आता है तो वोट कर देना क्या पता भाई ये वोटिंग सिस्टम में जीत जाए और हम लास्ट में आके इसी घर को लें ठीक है चलो अभी फटाफट से इस घर से निकलते हैं और भाई चलते हैं अभी दूसरे घर के लिए ऑल राइट right, तो भाई अभी नाम दूसरे घर की लोकेशन पे आ हाँ। चुके पता नहीं है किन किन रास्तों से मुझे लेके आ रहा है भाई अपनी ऑफ रोडिंग करने में लगा हुआ है चलो अभी ये कह रहा है की जस्ट आने वाला है वो वाला घर भी और एक सेकेंड मुझे लग रहा है यही वाला घर है हाँ ये यहीं पे टर्न ले रहा है इसके अंदर ही जाना है भाई रुको 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 यार ये देखने में तो बड़ा मस्त लग रहा है और इसके भी ऑटोमेटिक डोर से अरे भाई रुको रुको मुझे भी आना तो भाई ऑल राइट right. भाई बड़ा प्यारा सा लग रहा है ना ये और इसमें भी यहाँ पर गाड़ी का गैराज है पे हम मस्त खड़ी कर सकते हैं चलो यार एक बार इस वाले घर में भी चल के देखते हैं भाई क्या तो सीन है यहाँ पे बाकी यार ये वाला घर ना मुझे पिछले वाले से कुछ ज्यादा ही मस्त लग रहा है भाई ये यह देखो यहाँ पे एक तो खुला खुला स्पेस भी है काफी और ग्रीनरी भी है यार यहाँ पे मस्त चलो फटाफट से अंदर चलते हैं और ये कह रहा है कि भाई तुम यहाँ पे अपनी मस्त सिक्योरिटी वगैरह भी लगा सकते हो और गाड़ी वगैरह जो एक्स्ट्रा है वो यहाँ पे खड़ी हो जाएंगी चलो भाई यहाँ से ओके ये कह रहा है यहाँ से इसकी एंट्रेंस है चलो फटाफट से अंदर चल के देखते हैं भाई ये ना मुझे कुछ खतरनाक लग रहा है भाई शायद ये वाला मस्त होगा वेट भाई ये कौन सा एरिया है यहाँ पे ओके ये कह रहा है कि ये वेटिंग एरिया है जो भी तुमसे मिल रहा है वेट वगैरह कर सकता है चलो भाई फटाफट से अंदर चलते हैं और एक सेकेंड भाई ये हुई ना बात अपने को कुछ ऐसा ही चाहिए था भाई एकदम मस्त लग रहा है ना यहाँ पे एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल है और इस तरफ यहाँ पे ओपन किचन है बट एक सेकेंड भाई यहाँ पे भाई रूम नहीं दिख रहा है मुझे रूम वगैरह कहाँ पे है यार ऑल राइट अभी ये मुझे कह रहे हैं कि जितने भी इसके रूम्स हैं ना वो सब ऊपर के फ्लोर पे है भाई ये ठीक है यार जो भी अपना मस्त सेलिंग एरिया है ना वो सब नीचे है और जो सोने वोने के लिए रूम है बेडरूम्स वो सारे के सारे ऊपर है और एक सेकेंड अच्छा यहाँ पर स्टेयर्स है भाई इसकी स्टेयर्स भी काफ़ी मस्त है चलो एक बार एक काम करते हैं ऊपर ही चल के देख लेता है भाई ऑल राइट हम ऊपर आ चुके हैं और वेट यहाँ पर एक रूम यहाँ पे रूम ही है ना एक बार चल के देखते हैं भाई अंदर यहाँ पर ऑल राइट यहाँ पे एक नहीं भाई ये रूम नहीं है बाथरूम है भाई चलो कोई दिक्कत नहीं है इस तरफ यहाँ पे इसका बाथरूम है और वेट यहाँ से बालकनी जाती है क्या भाई यहाँ पे है यह? वेट यहाँ पे ऑटोमेटिक एक बालकनी भी है बाथरूम के बाहर बालकनी चलो कोई बात नहीं भाई बढ़िया है फटाफट से अंदर चल के देखता है रूम्स वगैरह दिखाओ यार यहाँ पे हमने ये तो देख लिया चलो अभी बाहर चलते और भाई यहाँ चल के एक्सप्लोर करता है कि यहाँ पे क्या है ओके ये मुझे बता रहा है कि जो वाला डोर देख रहे हो ना वहाँ पे तुम्हारा ऑफिस भी है और दो बेडरूम्स भी है भाई रुको रुको ऑफिस भी है क्या यहाँ पे एक सेकेंड भाई साहब यहाँ पे एक बहुत मस्त सा ऑफिस है भाई ऐसे ऐसे ऑफिस तो भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में होता है क्या मस्त है ना यहाँ पे कुछ चेयर्स वगैरह रखी हैं और यहाँ पर टेबल भी है भाई मानना पड़ेगा ये ना कुछ ज़्यादा ही तगड़ा है और इसमें ना हर एक कमरे में आपको विंडो दिख जाएगी जिसका आपको बाहर का मस्त व्यू आता रहेगा चल भाई फटाफट से देखते हैं और बाकी ये बेडरूम भी यहीं पर बता रहा था एक बार अंदर चल के देखता है थिंक यहाँ पर इसके बेडरूम होंगे भाई कितने सारे डोर्स हैं एक सेकेंड भाई बेडरूम कहाँ यहाँ पे तो चेंजिंग एरिया है ना ऑल राइट ये मुझे बता रहा है कि ओके okay, यहाँ पर दो गेट्स हैं ये वाले बेडरूम है चलो भाई यहाँ पर वेट भाई ये तो बहुत बड़े बड़े बेडरूम्स हैं यार और एक सेकेंड अब ये किसकी फोटोस लगी हुई है भाई यहाँ पे हेलो तो तो वेट ये फ्रैंकलिन क्यों लग रहा है भाई मुझे एक सेकंड रुको भाई ये ये फ्रैंकलिन है क्या हेलो यहाँ पे भी एक फ़ोटो लगी हुई है नहीं नहीं ये फ्रैंकलिन नहीं है भाई कोई उसके जैसे देखने वाला ही है भाई एक बात बता यार तू तो मुझे बता रहा था कि इसमें आज तक पहले कोई रहा नहीं है बट यहाँ पे तो फोटोज वगैरह रखी हुई है यार ओके ये मुझे कह रहा है कि नहीं ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल रख रखिए ऐसे किसी की डमी फोटोज हैं चल भाई ठीक है ठीक है फिर ठीक है, है मैं कहूँ मैं क्या ये फ्रेंकली क्या कर रहा है भाई यहाँ पे चलो ये तो हमने रूम देख लिया है अब एक बार सामने वाला बेडरूम और देख लिया था भाई अभी ना फटाफट से देखता है क्योंकि भाई अपने को सिक्योरिटी लेने भी जाना है और यहाँ पर भी एक बेडरूम है ठीक है यार ये छोटा सा है बट कोई दिक्कत नहीं है बढ़िया है भाई यहाँ पे दो दो बेडरूम हो चुके हैं अब फटाफट से एक बार गार्डन एरिया और देख लेते हैं मैंने नीचे स्टार्टिंग में देखा जाता है नीचे गार्डन एरिया है ना उसको और एक्सप्लोर करता है भाई देखता है यहाँ पर क्या वेट यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है क्या भाई घर में हर घर में इसके स्विमिंग पूल भी है और एक सेकंड भाई नीचे चल के देखता है यहाँ से ना इतना मस्त व्यू नहीं आ रहा है फटाफट से नीचे चलता है और वहां चल के देखता है वैसे यार को मुझे देख के लग रहा है भाई ये बंदा ना इसके बहुत ज्यादा पैसे बताने वाला है अपने को देखो एक तो इतना बड़ा है भी यार उतना वर्थ इट भी है ये और साथ ही साथ ना इसमें जगह जगह पेंटिंग्स लगी हुई है यार वैसे एक काम करते हैं यार पेंटिंग से मुझे याद आया देखो इसमें जितनी ज्यादा पेंटिंग्स है मैं उतनी ज्यादा लोगों की फोटोज लगा सकता हूँ भाई ये तो अपने लिए और सही बात होगी ना आप सबकी फोटोज यहाँ पर आराम से आ सकती हैं चलो इसका एक बेनिफिट तो भाई यही हो गया बाकी आप लोगों के हाथों में यार देखो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलती हैं, जो भी आप सबको ज्यादा पसंद आता है घर भाई वही मेंशन हम लेने वाले हैं ओके okay। ये बैक साइड से कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पर ग्रास है और इस तरफ स्विमिंग पूल है भाई मन तो कर रहा है अभी कूद जाऊँ और चेक करो भाई कितना गहरा है बट नहीं यार अभी मैं कपड़े गिले नहीं करना चाह रहा अपने आ, ओके यहाँ पर इसका मस्त चिलिंग एरिया यहाँ पे हम बैठ सकते हैं और एक सेकेंड भाई यहाँ से कैसा व्यू आता है मैंने वो चेक नहीं करा ना रुको रुको इस तरफ चल के देखते हैं भाई यहाँ पे डॉग का भी हाउस बना रखा है यार इन लोगों ने अपने पास कोई डॉग नहीं है यार आगे चल के ना एक बढ़िया डॉग भी लेंगे यार अपने लिए अपने पास है नहीं कोई डॉग और एक सेकेंड यहाँ से कुछ ऐसा व्यू आता है जो कि ठीक है अच्छा है ज्यादा बेकार नहीं है देखो देखोगाई ये वाला मैंशन तो हमने देख लिया और भाई सही बताऊ तो पर्सनली मुझे भाई ये वाला मैंशन काफी ज्यादा बढ़िया लगा अभी ना हमने दो मैंशन देख लिया है अभी एक काम करता है एक लास्ट मेंशन और देखते हैं और फिर उनमें से सेलेक्ट करेंगे भाई जो भी आप लोगों को बेस्ट लगता है ना आप लोग मुझे कमेंट में इंस्टा और व्हाट्सएप तो भाई देखो मेन है उनके लिंक ना आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे वहां पे आप उन उनपे क्लिक करो और फटाफट से वहाँ पे भी वोट कर देना जिस पे सबसे ज्यादा वोट आते हैं भाई वो वाला मेंशन मैं ले लूंगा चलो अभी एक काम करते हैं भाई कॉन्ट्रेक्टर मेरी बात सुन अभी ना कोई दूसरा मेंशन दिखा दे यार देख ये वाला मुझे पसंद आया जो भी इसके प्राइसिंग वगैरह ना वो मैं तुझे बाद में पूछूंगा जब जो भी फाइनल होता है उसी के प्राइस वगैरह पूछेंगे अभी एक और मेंशन है यार देख मुझे बढ़िया सा मेंशन चाहिए जो इससे भी बड़ा हो कोई ओके ये कह रहा है कि हाँ मेरे पास एक और मेंशन है जो कि अभी नया बना है भाई बट ये कह रहा है कि नहीं यार वो मैंशन ना काफ़ी ज़्यादा दूर है तो वो इस लोकेशन से काफ़ी अलग हो जाएगा आ, चलो यार कोई बात नहीं तो ना एक बार दिखा दे मुझे जो भी अगर वो सही लगा तो उसको ही ले लेंगे यार लोकेशन से क्या लेना है भाई वैसे मैं हम घर पे कितना ही रोकते हैं चलो गाइस एक काम करते हैं उसी को भी देख लेते हैं और याद रखना भाई आप लोगों को वोट कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने जिस गाड़ी को वोट किया ना भाई वो गाड़ी तो एकदम मस्त है अभी एक बार मेंशन को और वोट कर दो ठीक है चलो भाई फटाफट से अभी एक काम करते हैं निकलते हैं भाई सीधा दूसरे वाले मेंशन के लिए ऑल राइट तो भाई अभी नाम एक और मेंशन पे आ चुके हैं भाई पता नहीं ये कहाँ कहाँ तो जगह दिखा रहा है भाई इसने कहा था दूर है भाई एक घंटा हो चुका है मुझे ड्राइविंग करते करते और एक सेकेंड भाई ये बाइकर भाई का कहाँ से जा रहे हैं यहाँ पे मैं कौन सी लोकेशन पे लेके आ चुके हैं अच्छा वहाँ पे गया लेफ्ट में भाई साहब ये तो कोई ज्यादा ही अलग लोकेशन है यार और एक सेकंड शायद वो मेंशन आ चुका है यहाँ पे जाना है क्या हमें ओके यहाँ से उसकी एंट्रेंस है भाई एंट्रेंस एंट्रेंस दिख रही है घर कहाँ पे है बट यार भाई पता नहीं कहाँ तो लेके जा रहा है मतलब ये बार बार कहे जा रहा है भाई अब आ गए अब आ गए बहुत दूर आ चुके है हम यहाँ पे एक सेकेंड भाई रुको रुको रुक रुक शायद ऊपर मेंशन है वो भाई कितना बड़ा रास्ता था यार इसका ओके तो यहाँ पर हम मेंशन पे आ चुके हैं और एक सेकेंड ये उधर जा रहा है आई थिंक ना पार्किंग वहीं पर होगी भाई ये, ये बाहर से तो देखने में छोटा लग रहा है बट ये करता है बड़ा है काफ़ी रुको रुको भाई अभी नहीं मैं ज़्यादा जज करता हूँ पहले एक बार देख लेता है ओके हम इसकी पार्किंग में आ चुके हैं हेलो भाई ये पार्किंग है क्या इसकी बैंस के भाई यहाँ पे कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं देख रहे हो अभी जैसे यहाँ पर हमने दो गाड़ी लगाई है उसके बाद भी भाई इतनी सारी स्पेस बचती है और भाई आप देख रहे हो भाई इसकी पार्किंग गैराज से इतना तगड़ा व्यू है भाई साहब मस्त है यार ये वाला मेंशन अभी देखते हैं भाई और कैसा है बाकी पीछे तो मुझे यार थोड़ा छोटा लग रहा था देखने में ओके ये कह रहा है मेरे पीछे पीछा हो मैं तुम्हें पूरा एक्सप्लोर करवाता हूँ चलो भाई ये कह रहे हैं आप पे दो एंट्रेंस है इससे बाहर जा सकते हो और ये सीधा घर के अंदर जाता है चलो भाई फटाफट से गेट वेट भाई घर के अंदर ऑटोमेटिक डोर से यार ये भी बढ़िया है ऑल राइट हम घर के अभी अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत बढ़िया भाई ये कह रहा था जैसे तुम कोई भी घर परचेज कर लोगे ना उसके बाद जो भी तुम्हें कस्टमाइजेशन करवानी है वो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा चलो भाई ये भी ठीक है फटाफट से अभी देखते हैं और यहाँ पर भाई बीच में एकदम सिटिंग एरिया है जहाँ पे हम मस्त अगर अपना चेल वगैरह कर सकते हैं और दिखाए है भाई क्या है यहाँ पे भाई ये बाहर से ही छोटा लग रहा था यार यहाँ पे देख रहे हो उसका ये मेन हॉल एरिया एक सेकेंड भाई यहाँ पे कितना बड़ा झूमर लगा रखा है इन लोगों ने मतलब सेमी फर्निश मिलेगा यार सबसे बेस्ट चीज़ तो यही है ओके okay, ये कह रहा है कि तुम्हें इस घर में सब कुछ मिलेगा सब कुछ भाई ऐसा क्या सब कुछ बोल रहा है यार दिखा भी फिर कुछ मुझे यहाँ पे ओके मुझे इस तरफ लेके आ रहा है और एक सेकेंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या ये सामने स्विमिंग पूल है क्या ओ सॉरी स्विमिंग पूल बोल रहा हूँ भाई एक्वेरियम है क्या भाई स्विमिंग पूल बता रहा हूँ मैं इसको यहाँ पर एक एक्वेरियम भी है और एक सेकेंड भाई ये क्या है यहाँ पे ये कह रहा है यहाँ पे कसिनो एरिया है तुम यहाँ पे मस्त अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हो और भाई ये क्या रख रखा है यहाँ पे एक बड़ा सा स्केलेटन रखा है भाई और यहाँ पे ना मस्त कसिनो की टेबल्स वगैरह रखी हुई है और इधर फोटो है भाई ये देखो भाई एक सेकेंड हेलो इधर आइए भाई इधर आ फटाफट इधर आ ये वाला मैंशन ये इसी मैंशन की फोटो है क्या यहाँ पे मैं आज क्या ओके ये कह रहा है हाँ ये इसी मैंशन की फोटो है भाई ये पीछे से तो काफी छोटा दिख रहा था भाई अब देखो ये इतना बड़ा मेंशन है चलो भाई एक काम कर मुझे भाई देखा मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई इस वाले मेंशन को देखने के लिए और यहाँ पे जगह जगह ना बड़े बड़े टीवी लगे हुए हैं और साथ ही साथ यहाँ पे भी कुछ पेंटिंग्स लगी हुई है दीवार पे भाई ये पेंटिंग्स तो हम चेंज कराएंगे देखो आपको पता है भाई यहाँ पे क्या आने वाला है बस उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा है भाई और ये कह रहा है आओ मेरे पीछे आओ फटाफट से ये घर बहुत बड़ा है तो तुम्हें टाइम लग जाएगा देखने में भाई ऐसा क्या क्या है इस घर में चलो एक बार यहाँ पर भी चल के देख लेते हैं वो भी ना इसके अंदर गया वेट यहाँ पे जिम भी है क्या भाई पर्सनल जिम भी है यहाँ पे और काफी सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पे रखे भी हैं भाई जिम के भाई ये घर में सच में यार सब कुछ ही है भाई इधर टीवी भी लगा है और बाहर एक गार्डन एरिया है, है जो कि काफी मस्त लग रहा है इसको बाद में देखेंगे और एक सेकेंड भाई यहाँ पर इंडोर स्विमिंग पूल भी है एक बाहर स्विमिंग पूल है और एक इंडोर भी स्विमिंग पूल है भाई सही में यार ये बंदा सही कह रहा है कि ये घर में सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए सब कुछ भाई बढ़िया है चलो अभी एक काम करते हैं और देखते हैं भाई इस तरफ क्या है यहाँ पे ओके आई थिंक ये इसका ना चेंजिंग एरिया है स्विमिंग पूल का चलो भाई फटाफट से और चीजें दिखा है यहाँ पे सभी मुझे कह रहा है कि भाई तुम्हें ना मैं अभी इस घर की सबसे मस्त चीज दिखाने लेके जा रहा हूँ भाई ये घर तक तो मुझे पसंद भी आ रहा है और क्या मस्त है भाई यहाँ पे जिम है स्विमिंग पूल है और क्या चाहिए भाई अपने को ओके ये मुझे कह रहा है नीचे बेसमेंट में चलना है हेलो भाई बेसमेंट भी है क्या इसका रुको रुको गया ये इस... भाई साहब यहाँ पे बेसमेंट में भी रास्ता जा रहा है भाई ये बाहर से ही छोटा लगता है यार देखने में यहाँ से तो कुछ ज्यादा ही पड़ है ओके okay, यहाँ पर दो रूम है ये कह रहा है इसके अंदर एक क्लब है क्या क्लब भाई पार्टी वाला क्लब क्या ओके कह रहा है जाके देखो अंदर तुम्हें शॉक हो जाओगे और इसी के घर में ना मैं भाई यहां पर एक इंडोर क्लब भी है घर के अंदर और वो भी भाई साहब ये घर मुझे सच बता रहा हूं जितने अब तक घर देखे है ना वन ऑफ द बेस्ट लगा यार मतलब घर के अंदर क्लब भी है स्विमिंग पूल भी है जिम भी है भाई साहब मस्त है यार और इस तरफ ना यहाँ पे काफी सारी डिस्को लाइट लगी हुई है भाई सही है यार यहाँ पे मस्त हम अपना पार्टी वगैरह कर सकते हैं इंजॉय कर सकते हैं और एक सेकंड अभी ये मुझे कह रहा है कि हम ना यहाँ पे मूवी थिएटर का भी प्लान कर रहे हैं उधर से साइड वाले रूम में अगर तुम्हें चीजों होगा तो तुम बता देना अरे भाई ग्रेट है यार मैं तो कह रहा हूँ तुम सब कुछ बनवा दो यार इसमें ये घर थोड़ी है भाई ये मॉल है मॉल चलो एक काम करते हैं भाई चलते हैं एक बार ना ऊपर वाला गार्डन एरिया और देख लेता है बाकी भाई ये वाला घर गाइज आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बता देना और यहाँ पर इस साइड भी एक रूम है भाई अभी ना ये मुझे बता रहे कि ये वही रूम है अगर तुम चाहोगे ना तो हम तुम्हारे लिए इसमें एक मूवी थिएटर बनवा सकते हैं भाई क्यों नहीं यार तुम सुनो मेरी बात सुन भाई देख पैसों की कोई दिक्कत नहीं है तुझे ना पेमेंट हम एडवांस में ही कर देंगे जितने भी तू बड़े से बढ़िया मॉडिफिकेशन इस घर में कर सकता है ना भाई सब कर दे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलो भाई अभी ना मैंने इसको बता तो दिया और यहाँ पर भी एक मस्ती पेंटिंग लगी हुई है अभी फटाफट से वो गार्डन एरिया देख लेते हैं एक सेकंड उससे पहले भाई यहाँ पर एक और रूम है ये वाला देखना तो रह गया यार यहाँ पे क्या है और एक सेकेंड भाई हेलो संडास में कौन लगाता है भाई ऑटोमेटिक डोर्स ये तो कुछ ज्यादा ही अमीरों वाला घर हो गया भाई मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कोई पता नहीं सीक्रेट डोर वगैरह होगा कोई बेस वगैरह होगा चलो फटाफट से ऊपर चलते हैं और वहाँ चल के देखते हैं भाई एक बार मैंने गार्डन नहीं देखा है ना हमने इसको पीछे की साइड से देख लिया है मतलब फ्रंट से देख लिया अभी आगे का बचा है वहाँ भी चल के देखते हैं आ भाई फटाफट से आ और बाहर जाने का बाद रास्ता कहाँ से है ये ओपन है क्या यहाँ से रुको एक बार चल के देखते हैं हाँ भाई यहाँ से ये यह ओपन है और वेट भाई ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है क्या यहाँ पे हम आराम से मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं एक बड़ा सा स्विमिंग पूल है भाई दो दो स्विमिंग पूल हो गए एक यहाँ पर भी है और एक इंडोर भी है और एक बार ना भाई तुम तो इसका सामने का व्यू देखो यार अब तक जितने भी घर देखे है ना सबसे बेस्ट व्यू है यार इसका एकदम सामने इतनी बड़ी लेक है यहाँ पे भाई रोज मॉर्निंग में यहाँ पे एकदम बढ़िया व्यू दिखेगा मुझे और अभी ना ये बंदा मुझे कह रहा है कि यहाँ पे ना तुम्हें बहुत बढ़िया सनसेट दिखेगा शाम के टाइम पे

भाई अभी अपने पास हेलीकॉप्टर नहीं है वो बात अलग है बट अपने पास एक हेलीपैड हो चुका है जहाँ पे हम अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते हैं भाई बहुत बढ़िया यार देखो गाइस अभी ना हमारे पास तीन मेंशन आ चुके हैं अब आप लोगों के ऊपर है आप जिस भी मेंशन को वोट करते हो हम वही वाला मेंशन भाई ले लेंगे यहाँ से बस आपको कुछ नहीं करना है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लो पे एक पोल आएगा बस आपको सिंपली यहाँ पे वोट करना है चलो गाइस इस वाले एपिसोड को ना भाई यहीं तक रखते हैं आई होप आपको भाई एपिसोड में मजा आएगा देखो भाई नेक्स्ट एपिसोड में ना हमारी तकड़ी सी सिक्योरिटी आने वाली है हमारा मेंशन तो फाइनल हो ही जाएगा देन उसके बाद अपने सिक्योरिटी को हम में इस मेंशन पे लेके आएंगे और अपने साथ साथ भाई फुल काफिला लेके निकलने वाला है फिर बताएंगे भाई रोलेक्स को और सबसे मेन भाई जिसको हमने किडनेप कर रखा है भाई वो बात कर रहा था ना कुछ अंडर वाटर बेस के बारे में तो नेक्स्ट एपिसोड में हम वहां पे भी जाएंगे भाई बहुत क्रेजी होने वाला है नेक्स्ट वाला एपिसोड बाकी अगर आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और जिसने भाई वीडियो को यहाँ तक देख लिया है विहान ओपी कमेंट में लिख देना भाई जिससे मुझे पता लग जाएगा मेरे किस किस वीडियो ने वीडियो को एकदम लास्ट तक देखा है और जैसे कि यार मैंने आपको बताया भाई इस एपिसोड पे आठ लाइक होते ही नेक्स्ट डे एपिसोड आ जाएगा तो फटाफट से भाई लाइक वाला बटन दबा दो और भर भर के कमेंट भी कर देना और हाँ गई अगर आप मेरी और भी जीटीज की वीडियो देखना चाहते हो ना तो मेरा सेकंड चैनल जरूर चेकआउट करना भाई विहान इज लाइव वहाँ पे ना मैं बहुत सारी मस्त फनी वीडियो लेके आता हूँ तो फटाफट से उसको भी चेक कर लेना उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलो फिर आज के लिए इतना ही भाई मैं मिलता हूं आपको किसी नई धमाकेदार वीडियो में इतना थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय